हम संबंध में अन्य भावों की बात करेंगे, और जब इन बातों को समझेंगे, हम भावों को समझेंगे, तो न्याय स्पष्ट होगा कि न्याय का अर्थ क्या है। फिर जो प्रेम, जिसको पूर्ण मूल्य कह रहे हैं, ये हमको दिखता है कि अखंड समाज का आधार है प्रेम, पूर्ण मूल्य है। फिर हम विश्व परिवार को ही, विश्व को ही एक परिवार के रूप में देख पाते हैं, तो हम समाज को अखंड रूप में देख पाते हैं। तो हम परिवार व्यवस्था की बात करें, परिवार में अपनी भागीदारी को समझने की बात कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नौ भाव में विश्वास सम्मान पर बात किया, जिस पर उन्होंने भी रिकैप भी किया। अब हम लोग स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन भावों पर बात करेंगे। तो स्नेह का मतलब है दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। ऐसा होता है तो मेरे अंदर निर्विरोधता होती है। तो जब हमारे अंदर ये बात की आश्वस्ति हो जाए कि हर व्यक्ति मुझे सुखी करना चाहता है, हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता है कि खुद भी सुखी रह सकता है, दूसरे को सुखी कर सकता है, और कार्यक्रम भी यही है, सही समझना, सही जीना, तो मेरे अंदर बहुत ही स्वाभाविक रूप से एक संबंध का भाव आता है, दूसरे को स्वीकारने का भाव आता है, कि दूसरे को स्वीकार पाता हूँ कि ठीक है, उसका पर्पज ठीक है, पोटेंशियल ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, कॉम्पिटेंस में कमी हो सकती है, कॉम्पिटेंस डिफरेंट हो सकता है, उसका मेरे संबंधी के रूप में स्वीकारता हूँ मैं। हाँ, अभी मेरा विरोधी नहीं है, है तो संबंधी ही, अलग तरह की योग्यता है। तो जो विरोध का भाव तो चला गया पूरी तरह से, निर्विरोधिता का भाव है, और हमारे अंदर फिर एक परस्पर पूरकता का भाव आता है कि जब मैं उसको संबंधी रूप में स्वीकारता हूँ, तो मैं उसके कैसे पूरा पड़ू, कैसे उसका ध्यान चला जाए, कैसे उसको बात समझ में आ जाए, कैसे उसके जीने में पूरा पड़ जाऊं, है ना, मैं कैसे भागीदारी कर पाऊं, उसमें तो एक जिम्मेदारी आती है, संबंध में निष्ठा का भाव आता है, कमिटमेंट आता है, इसमें एक्सेप्टेंस आता है, कमिटमेंट आता है, जब हमारे अंदर स्नेह का भाव होता है। तो स्नेह एक ऐसा भाव है जो हमारे अंदर विश्वास और सम्मान का भाव होता है, तो एक नेचुरल ढंग से आता है स्नेह का भाव, कमिटमेंट का भाव। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये बहुत सारे अनर्गल भाव दिखाई देते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भाव दिखाई देते हैं। ये देखने की बात है कि हमारे अंदर अगले के प्रति संबंध के रूप में स्वीकारने का भाव है, परस्पर पूरकता का भाव है, या कुछ ऐसा भाव बन जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, ऐसा भाव बन जाता है। ये सब देखने की बात है, समझने की बात है, अपने आप में ध्यान देने की बात है। एक उदाहरण लूंगा कि हम लोग संस्थान में एक शिविर कर रहे थे, तो उसमें एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने बात सुनी, को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखिए, बात तो आपकी सब ठीक है, बट मुझे एक समस्या आ रही है परिवार में। समस्या ये है कि मेरी एक बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, और ये बड़ी बेटी को द्वेष है हमारे छोटे बच्चे से, ये उसको स्वीकारती नहीं है, समय समय पर उसकी शिकायत करती है, झगड़ा करती है, इसका क्या समाधान होगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक बार कभी बेटी को लेकर आइए। तो अपनी बेटी को लेकर आए, तो बेटी से हम लोग ने कहा, अकेले में बात किया कि बताओ बेटा क्या इश्यू है। तो प्रश्न करते करते ये समझ में आया कि जब पहले वो अकेली बच्ची थी घर में, भाई नहीं था, तो जो भी घर में गिफ्ट आते थे सब उसको मिलते थे, चॉकलेट उसको मिलेगा, कपड़े उसको मिलेंगे, खिलौने उसको मिलेंगे। अब जब फिर छोटा भाई आ गया है घर में, तो लोग जो भी गिफ्ट लाते हैं छोटे बच्चे के लाते हैं, इसको थोड़ा मोड़ा कुछ दे देते हैं, है ना, मेजर उससे गिफ्ट बच्चे को मिलते हैं, लड़के को मिलते हैं। अब इसको ये परिवर्तन जो हुआ है ना, इससे इसके अंदर एक छोटे बच्चे के प्रति अस्वीकृति का भाव आ गया कि अगर ये नहीं होता तो सारे गिफ्ट आज मुझे मिल रहे होते हैं, इसके होने से गिफ्ट हमको नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि देखिए, बात तो अपने को समझ में आई है, बच्चे का कंसर्न तो जेन्युइन है, बच्चा है। अब आप थोड़ा सा इसमें एक चेंज लाइए कि जब भी कोई गिफ्ट बाहर से आए तो आप बेटी को दीजिए, और बेटी को कहिए कि वो अपने छोटे भाई से शेयर करे। तो उन्होंने इस प्रयोग किया हफ्ते दो हफ्ते, और उन्होंने आके बताया कि हाँ, आप काफी चेंज आ गया है। अब जैसे चॉकलेट कोई लाया, दो चॉकलेट है, हमने इस बेटी को दे दिया दोनों चॉकलेट, और कहा कि भाई से शेयर करो, तो कई बार ये दोनों चॉकलेट भाई को दे दिए। तो इस तरह का चेंज आ सकता है ना व्यवहार में, जब ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, हमारे में संबंध का भाव आता है, ये स्नेह का भाव है। स्नेह के भाव के साथ हमारे अंदर ममता और वात्सल्य का भाव आता है। तो स्नेह का भाव का एक नेचुरल आउटकम है ये दोनों भाव, ममता और वात्सल्य। ममता मतलब शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव। तो जब मैं अगले को संबंधी के रूप में स्वीकार पाता हूँ ना, तो उसके शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है। किस प्रकार की जिम्मेदारी का भाव? उसके शरीर के पोषण का, संरक्षण का, है ना, इसकी स्वीकृति का भाव आता है। अब जब मैं किसी को स्वीकारूंगा तो शरीर का तो ध्यान रखूंगा ही, साथ में ये एक भाव आता है जिसको वात्सल्य का, तो संबंधी के मैं के प्रति
जिम्मेदारी का भाव आता है, संबंधी को समझदार और जिम्मेदार होने की स्वीकृति का भाव आता है। ये तो भाव हैं जो सहज रूप से, है ना, स्नेह के भाव के साथ जीने में आते हैं, समझ में आते हैं। और जब हम दूसरे को स्वीकारते हैं तो दोनों के प्रति भाव आएगा, शरीर के प्रति भी और मैं के प्रति भी। अभी कई बार क्या होता है कि जब हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे होते हैं तो शरीर के प्रति तो जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं, मैं के प्रति जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार पाते, या समझ ही नहीं पाते, ध्यान ही नहीं दे पाते। कई बार ऐसा होगा कि जैसे हमको लगता है कि हाँ भाई, हमें अपने बच्चे का लालन पालन ठीक से करना है, उसका ध्यान रखना है, तो उसको खूब खिलाना पिलाना है, ठीक। बट खिलाने पिलाने के क्रम में कई बार उसको मारते पीटते हैं। अब वो बच्चा, शरीर तो उसका भोजन मिल गया उसको, बट मारपीट से तो मैं तो आहत हुआ, सेल्फ को तो पीड़ा हुई। तो हम उसको खिला पिला तो रहे, या कपड़े पहनाने के लिए हमने कुछ कहा, उसने मना किया, तो हम उसको डांटते हैं, डपटते हैं, मारते हैं। अब उसके शरीर का तो हमने संरक्षण कर दिया, बट मैं के साथ क्या हुआ, तो वायलेशन हो गया, वहां पे जिम्मेदारी का भाव नहीं बना। तो ये ममता वात्सल्य जो है, ये स्नेह का एक सहज प्रतिफल है। तो हमें देखना है कि क्या आज हम ममता एवं वात्सल्य दोनों को सुनिश्चित कर रहे हैं, या अधिकांश सिर्फ ममता के भाव का ध्यान रखते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिलाते समय जो शरीर के साथ मैं का ध्यान रख पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इस पे आपका रिफ्लेक्शन लेता हूं मैं। तो क्या हम ममता और वात्सल्य दोनों सुनिश्चित करते हैं, या ज्यादातर समय हमारा ध्यान जो है ममता के भाव पे रहता है? इस पे आपको रिफ्लेक्ट करना है। एक साथी अपने बताया करते हैं, रायपुर से हैं, कि उनके घर में उनको खिलाने पिलाने पे काफी ध्यान दिया जाता था, और कई बार वो खाना नहीं खाने के लिए मना कर देते थे। तो उनकी माँ जो है पहले उनको लालच देंगी, तुम खाओगे तुमको चॉकलेट मिलेगा, तुमको एक गिफ्ट मिलेगा, इस तरह की चीजें। पर ये जब काम नहीं करेगा तो तुमको डराएंगी, तुम नहीं खाओगे तुमको छिपकली काट लेगी, देखो छिपकली दीवार पे है ना, और तुमको दौड़ काट लेगी, डराएंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो उनको अपने दोनों पैरों में बांध के बैठाएंगी और जबरदस्ती मुंह में निवाला डाल देंगी। अब इस तरह के बहुत सारे हम हथकंडे अपनाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। अभी आप देखिए, घर घर में एक कठिनाई है कि बच्चे खाते नहीं है, जबकि बच्चा ऑलरेडी खा खा के ओबीस हुआ जा रहा है ना। कई बच्चों का मतलब शरीर को ज्यादा ही वजन हो जा रहा है, ये एक बड़ी समस्या होती जा रही है, फिर भी माता पिता को लगता है कि बच्चे खा नहीं रहे ठीक से। तो हम ये ध्यान दे पा रहे क्या कि बच्चे को भोजन की आवश्यकता है कि नहीं, जब हम उसको भोजन करा रहे हैं, बच्चा भोजन खाना चाहता है कि नहीं, लेना चाहता है कि नहीं। तो इसको अगर कई बार ना इस चीज को प्रयोग पूर्वक देखने की जरूरत है। जैसे बच्चे को भोजन करना हो और आप कहें कि तुम खा लो, अब बच्चा मना कर रहा है, फिर उसमें क्या करते हैं आप, खिलाने की जिद करते हैं, या फिर बच्चे से पूछ लेते हैं तुम्हें भूख लगी है कि नहीं लगी है, तुम खाना चाहते हो कि नहीं खाना चाहते हो। अगर आप बच्चे से पूछेंगे, है ना, तो बच्चे के साथ बहुत जेन्युइन आंसर्स मिलेंगे आपको, कि बच्चा अगर नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा, और वो खाना चाहता भी है कि नहीं खाना चाहता। भाई शरीर है, भूख तो लगेगी, भोजन की आवश्यकता है, एक बार दो बार मना करेगा, तीसरी बार खुद ही मांग के खा लेगा। जब वो खुद मांग के खाएगा तो भूख से खाएगा, जितनी आवश्यकता उतना खाएगा, शरीर भी ठीक बना रहेगा, प्लम्प नहीं होगा बॉडी। पर यदि भूख का उसको पता नहीं है, भोजन की आवश्यकता का पता नहीं है, और आप उसे खिलाएं, तो समस्या आती है। फिर कई बार लोग कहते हैं कि भाई खाएगा तो ये है ना, बाहर की चीज ज्यादा खाता है, ये स्वाद की चीज ज्यादा खाता है। अब थोड़ा सा ध्यान देके देखिए कि बाहर की चीजें मंगाया कौन, बच्चे ने तो मंगाया नहीं होगा, हमने मंगाया होगा। स्वाद की चीजें कैसे बना उसको खाने के लिए, लत कैसे लगी खाने की, तो हम ही ने कोई पकाया होगा। और भैया जी आवाज आपकी बीच बीच में ना बहुत स्लो हो जा रही है, फिर आ जा रही थी। अच्छा, ठीक है। तो अभी कई बार बच्चे के बारे में लगता है कि ये बच्चा बाहर खाता अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है भैया, या तो मेरे साइड तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं परीक्षित भैया, बताइए आप। सभी की तरफ हो रहा है। हाँ अच्छा, ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा और माइक के नजदीक रहता हूँ। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चे को खिलाने पिलाने में हम संबंध का वायलेशन करते हैं, सेल्फ का वायलेशन करते हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा। हम लोग एक यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप कर रहे थे, तो वर्कशॉप के दौरान एक साथी ने कहा कि ये बात तो आपकी ठीक है, परंतु मेरी एक समस्या है। वो विंटर का महीना था और बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना होता था, जनवरी या फरवरी की बात होगी, जनवरी की बात थी। और वो चाहते थे कि बच्चा जब स्कूल की बस के लिए बैठे,
बस में बैठे तो टोपी पहन कर जाए, तो वो सुबह उससे कहेंगे टोपी पहनने के लिए, मना करेगा, फिर जबरदस्ती उसको टोपी पहना देंगे। बट उनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि जैसे वो बस में बैठेगा टोपी उतार देगा, और उनका इसका क्या हल है? उन्होंने कहा इसका हल तो बहुत सिंपल है ना, आप कुछ प्रश्न करिएगा बच्चे से, देखिए क्या उत्तर देता है। तो फिर अगले दिन उन्होंने कहा टोपी पहन लो, उसने मना किया। उन्होंने पूछा तुम टोपी पहनना चाहते कि नहीं चाहते हो? उसने कहा नहीं चाहते। उन्होंने फिर पूछा कि भाई ये बताओ अगर टोपी पहनोगे तुम्हें ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी? उसने कहा नहीं लगेगी। टोपी नहीं पहनोगे तो ठंड लगेगी नहीं लगेगी? उसने कहा लगेगी। जब ठंड लगेगी तो बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे? पड़ेंगे। तुम बीमार पड़ना चाहते हो कि स्वस्थ रहना चाहते हो? अब जितनी बातचीत हुई वो तो बच्चा अपने पिताजी की तरफ देखा कि आज इनको क्या हो गया भाई, है ना, आज अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो फिर अल्टीमेटली है ना बच्चे ने टोपी हाथ में ली, पहना तो नहीं, और बस में ऐसे बैठ के चला गया। फिर उन्होंने दिन में आके बताया कि देखिए हमने तो वो तरीका इस्तेमाल किया बट उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, बच्चे ने टोपी तो फिर भी नहीं पहनी। हमने कहा नहीं इसको एक दिन और ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या होता है। तो अगले दिन की बात उन्होंने बताई कि बच्चा घर से निकला, इन्होंने टोपी के लिए कहा भी नहीं, उसने खुद से टोपी मांग ली और पहन लिया। क्योंकि एक दिन जो बच्चे ने अपने अंदर एक्सप्लोर किया तो दिखा कि पिताजी हमें स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए इतने दिनों से मुझे टोपी पहनने के लिए कह रहे हो, मैं पहनता नहीं था। ये एक्सप्लोरेशन बच्चे के अंदर, अब ये ज्यादा अच्छी बात है कि बच्चे ने खुद से अपनी आवश्यकता समझी तो उसके अंदर एक समझदारी का भाव आया, जिम्मेदारी का भाव आया। हमारे दबाव में अगर टोपी पहन रहा है बार बार और बस में बैठते उतार दे रहा है, यानी उसके अंदर समझ तो नहीं विकसित हुई। सिर्फ शरीर का हमने संरक्षण दिया वो भी सामयिक रूप से, है ना, वो भी ठीक से पूरा नहीं पड़ा। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम घर पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो एक प्रश्न हमने आपसे किया था, क्या हम ममता और वात्सल्य दोनों सुनिश्चित करते हैं या ज्यादातर ध्यान ममता पे केंद्रित रहता है? तो दिखेगा कि है ना, अच्छा कई लोगों ने कहा है कि दोनों सुनिश्चित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने कहा है कि ज्यादातर ध्यान ममता पे ही रहता है, शरीर पे रहता है, इसको ऑब्जर्व करें। और अगर हम दोनों पे ध्यान दें तो ध्यान को और बढ़ा सकते हैं, अपने को और ध्यान में आएगा कि बेसिक मुद्दा तो सेल्फ डेवलप होने का है, शरीर का तो खुद से भी ध्यान रख सकता है। 6 साल 8 साल के होने होते बच्चा अपने शरीर का बहुत सारा काम खुद से कर सकता है, ध्यान खुद से दे सकता है, उसके अंदर का समझ विकसित हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। जी, गणेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है। कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंधित है और वात्सल्य बॉडी से संबंधित हुआ क्या? नहीं, ममता तो शरीर से जुड़ा हुआ है, वात्सल्य मैं से जुड़ा हुआ है। जी प्लीज, मेरा प्रश्न ये है कि केयर मैं से जुड़ा हुआ है और वात्सल्य शरीर से? मैं तो उल्टा रख रहा हूँ कि वात्सल्य मैं से जुड़ा हुआ है, केयर शरीर से जुड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। सुरभि जी हैंड रेज किए हैं। हेलो, नमस्कार सभी को। बस एक छोटी सी अपनी बात रखना चाह रही थी इससे संबंधित, कि कुछ हमारे रिश्ते इस तरह से भी बन जाते हैं जिनमें कि वात्सल्य ज्यादा होता है, बाकी केयर करना हो सकता है पॉसिबल भी ना हो। जैसे कि एक मेरी बहन है, मानी हुई बहन है, तो उन वो बड़ी भी है मुझसे, लेकिन वो बीच में कुछ समय काफी परेशान रही, तो वो मुझसे बात करती थी। मैं उनसे उनके लिए कभी कुछ उस तरह से नहीं कि हम मिल भी शायद 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं पाए, लेकिन कभी उनके लिए वैसे कुछ केयर नहीं कर पाई, जो कि उनके मतलब मैंने मुझे लगा भी कि मैं इनके लिए कुछ बना के ले जाऊं, लेकिन वो नहीं हो पाया, या मतलब इस तरह की कई चीजें रही जो नहीं पॉसिबल हुई। लेकिन वो बात हमारी बहुत सालों से चलती आ रही है, अभी भी हम लोग करते हैं, और उनकी जो परेशानी थी वो मेरे से बात करने से कम होती थी, और हम लोग आपस में जो बात करते थे उससे उनकी भी कई चीजों की मतलब, क्योंकि वो उस टाइम पे परेशान थी तो समझ नहीं पाती थी, तो वो एक उनकी राइट अंडरस्टैंडिंग भी बनती थी। तो ये भी एक हो सकता है इस तरह का कि हमारा जो है वात्सल्य ही भी हो कई रिलेशन में, या एक दूसरा रिलेशन जैसे कि अभी
हमारा 4-5 दिन का जो अभी हमारा समय है उसमें आप लोगों से हमें मिला है, जो कि हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग को डेवलप कर रहा है. तो आप लोग भी हमारे लिए उसी रिलेशन में हैं, मतलब आप लोग हमें भी वही अंडरस्टैंडिंग और जो फीलिंग है वो दे रहे हैं. थैंक यू जी. बहुत अच्छा. कई हैंड्स रेज हुए. जी जी लखन जी, मुझे कहना है, कल जब आप बात कर रहे थे कि अपनी और दूसरों की पूरकता पहचानना, और आपने एक उदाहरण दिया था, 3 पीढ़ी एक साथ रहती हैं तो एक दूसरे की पूरकता के साथ भेद समाप्त हो जाता है. ये बहुत शानदार उदाहरण था, और उसको आज मैं जब आप आज बात कर रहे हैं ममता और वात्सल्य की, तो ये जो प्रैक्टिकल समस्या है कि जो दादा है उसका नाती के प्रति ममता अधिक होती है, वात्सल्य कम होता है, जबकि पिता का वात्सल्य अधिक ममता कम होती है. तो यहाँ फिर भेद फिर हो गया भाई. तो दोनों ही ना हो, हमारे अंदर ममता का भाव भी हो, वात्सल्य का भाव भी हो, डिजायरेबल तो यही है कि ममता का भाव भी हो, वात्सल्य का भाव भी हो. कई बार ऐसा लगता है कि माँ के अंदर ममता होगी, पिता के अंदर वात्सल्य होगा, जबकि दोनों में हो सकता है. कई बार माँ शरीर का ज्यादा ध्यान रखती है, पिता पढ़ने लिखने का और बच्चे के भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बट दोनों ही तरह सोचता है, पिता भी शरीर का ध्यान रखे, माँ भी ध्यान रखे, माँ भी बच्चे के समझ के बारे में, भाव के बारे में, आचरण के बारे में केयर करे, ध्यान दे और पिता भी ध्यान दे. जी मुझे ऐसा लगता है जैसे लखन जी ने अभी कहा कि दादा के प्रति ये भाव अधिक है और ये भाव कम है, पर बीइंग ए दादी मैं सोचती हूँ कि जैसे उसकी माँ, मेरी बहू अगर मेरी पोती को समय के अभाव के कारण खिलाते समय डांट डपट रही है, इसके उलट जब मैं खिलाऊंगी तो मैं दोनों तरीके से उसका ध्यान रखूंगी, उसको प्यार, उसको बिना डांटे अच्छे से खिलाने का प्रयास कर. अब यहाँ एक लिंग भेद हो गया. नहीं नहीं, यहाँ जो बात कह रही हुई है कि जो जो चीज छूट जा रहा है उस पे ध्यान देते हैं. ठीक है कि कोई एक पक्ष, मतलब जैसे माँ को अगर थोड़ा समय कम मिल रहा है और इस चीज पे ध्यान कम जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको कॉम्पनसेट करता है एक पूरकता के भाव के साथ. वो कई प्रकार से कई घरों में हो सकता है, किसी घर में एक प्रकार से, किसी घर में दूसरे प्रकार से, इसमें वेरिएशन तो हो ही सकता है. जी नयनमती जी कुछ कहना चाह रही हैं. हाँ जी सर, मैं देखती हूँ आजकल की, मतलब जो माता पिता हैं वो इतना ज्यादा केयरिंग होते हैं बच्चे के प्रति कि बहुत ज्यादा, कहीं गिरे नहीं, मतलब मिट्टी धूल में चले नहीं, अरे इसको पैर को कंकड़ ना गड़ जाए, मतलब खाने के प्रति वो बहुत ज्यादा सहनशीलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बच्चों को छूट भी देना चाहिए, गिरेगा तभी संभलेगा, और मिट्टी रेत में थोड़ा सा खेलेगा तो ही मतलब वो मजबूत बनेगा. ऐसा मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा भी गिरने वाला होता है, हल्का बिल्कुल फर्श में भी, तो बच्चे को पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल भी नहीं गिरने देते हैं, मतलब इतना ज्यादा केयरिंग. तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा उसकी वजह से थोड़ा सा नाजुक बनता चला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है. तो ये मतलब पूरा बहुत सारे मुद्दे ध्यान में आएंगे जी, ये सब रिलेवेंट इश्यूज हैं, है ना. और जी जी जी, भावों पे ध्यान देंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे और ध्यान जाएगा, जहां जहां हमको लगता है कि अपने जीने में परिमार्जन की जरूरत है, चीजों को और नए तरीके से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. जी जी जी, थैंक यू. के आगे जो फीलिंग है श्रद्धा का भाव है. श्रद्धा का मतलब श्रेष्ठता की स्वीकृति. तो मेरे अंदर किसी व्यक्ति के समझ को देखकर, आचरण को देखकर, उसके जीने को देखकर, है ना, एक स्वीकृति बन जाती है कि ये आदमी पूर्ण है, ये आदमी श्रेष्ठ है, इसमें श्रेष्ठता की पूर्णता है, ये पूरी बात को समझ पा रहे हैं, वैसा ही जी पा रहे हैं, बिल्कुल वितरेक नहीं है. ऐसी जब हमको किसी व्यक्ति के बारे में स्वीकृति बनती है, उनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा का भाव आता है. तो श्रेष्ठता का मतलब है सही समझ की पूर्णता. तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति के स्तर पर व्यवस्था की समझ हो जाए, परिवार के स्तर पर हो जाए, समाज के स्तर पर हो जाए, प्रकृति अस्तित्व के स्तर पर हो जाए,
इनमें से हर एक स्तर पे जब हमको व्यवस्था की समझ होती है तो समझ की पूर्णता हो जाती है। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति हमको दिखाई देता है परंपरा में, समाज में, देश के इस भाग में, किसी और भाग में, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में हो सकता है हमको सूचना मिलती हो या हम उससे मिलते हैं और मिलके हमको ऐसा दिख जाता हो कि हाँ ये व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, श्रेष्ठ है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सहज रूप से एक भाव हमारे अंदर आता है। उस भाव का निष्कर्ष क्या होता है कि हम भी ऐसे हो जाएं, हमारे में भी समझ की पूर्णता हो, हमारे में भी आचरण की पूर्णता हो, हमारा जीना भी ऐसा ही हो। ये जो स्वीकृति बनती है सहज रूप से, इसको नाम दिया श्रद्धा का भाव। ये भी एक सहज स्वीकार्य भाव है। कभी हम लोग जब समाज की ओर देखते भी हैं तो हमको आशा रहती है कि ऐसे लोग हों जिनमें श्रेष्ठता हो, ऐसे लोग हों जिनमें समझ की पूर्णता हो, आचरण की पूर्णता हो। और इसका एक फलन है जिसको हम कहते हैं पूजा। तो पूजा का अर्थ भी क्या है कि श्रेष्ठ बनने के लिए जो प्रयास है, श्रेष्ठ होने के लिए जो प्रयास है, ये पूजा है। तो श्रद्धा का जो फलन दिखता है आचरण में, वो इस रूप में दिखता है। तो अब अगर इस रूप में देखें तो जो श्रेष्ठता के लिए हम प्रयास करते हैं वो तो हम हर क्षण कर सकते हैं, उसके लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता भी नहीं, हर क्षण कर सकते हैं। तो ये काम अपने आप में हर क्षण होने वाला काम है, जो श्रेष्ठता का फलन है मेरे अंदर। अब ये समझने की बात है कि श्रेष्ठता के लिए कार्य करना और किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, कोई मेल नहीं इनका। जब श्रेष्ठता के लिए काम करते हैं तो उसमें एक निश्चित तृप्ति बिंदु होता है, हमको दिखता है कि ये पूर्णता है, वहां हमें पहुंचना है, उसके लिए हम कार्य कर रहे होते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं तो पूर्णता का पता ही नहीं है, सिर्फ दूसरे की तुलना में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर तक लाने में प्रयास करता है, सहायता करता है। प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, वो दूसरे को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि अगर अगला भी उसी स्तर पर पहुंच गया तो फिर उसका ऐसा लगता है कोई प्लेसमेंट नहीं रह जाएगा। अभी हम शिक्षा में क्या करें देखने की बात है, हम श्रेष्ठता के लिए बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं या हम प्रतिस्पर्धा के लिए इनकरेज कर रहे हैं। जब हम परीक्षा के रिजल्ट निकालते हैं, कहते हैं ये बच्चा फर्स्ट आया, तो वो एक प्रतिस्पर्धा होगी। फर्स्ट क्लास में एक ही बच्चा आ सकता है, जबकि श्रेष्ठ हर बच्चा हो सकता है। हर बच्चे को सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो सकती है, बट मैक्सिमम मार्क्स एक ही बच्चे को आ सकते हैं। तो अगर हम वैसे देखें तो अभी हमको शिक्षा में भी, अपने विचार में भी, अपने व्यवहार में भी, अपने परिवार में भी श्रेष्ठता को केंद्र में लाने की जरूरत है। और श्रेष्ठता का मतलब है सही समझ, नहीं तो आप पाएंगे कि भाई बहन में कंपटीशन शुरू हो जाता है, पति पत्नी में कंपटीशन शुरू हो जाता है, भाई भाई में कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक भाई ने एक गाड़ी खरीद ली, दूसरा भाई उसकी तुलना में बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। एक भाई ने एक मकान खरीदा, दूसरे भाई ने उसकी तुलना में और बड़ा मकान खरीदा और पॉश कॉलोनी में मकान खरीदा। नहीं, अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और कंपटीशन का सेंस आ जाए बीच में, एक दूसरे से ज्यादा अच्छी अच्छी सुविधाएं करते हैं, आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा तो उन्होंने 25,000 का मोबाइल खरीदा, अब ये शुरू हो जाता है। प्रतिस्पर्धा करना बिल्कुल अलग बात है, श्रेष्ठता के लिए कार्य करना बिल्कुल अलग बात है। हमारे लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, इसको थोड़ा यहाँ पे आप मैसेज में डालिए चैट बॉक्स में, कि हम आपको सहज से क्या स्वीकार होता है। सर एक मिनट रुकिए ना जी, इसमें हम देख रहे हैं स्लाइड में कि श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहायता करता है, मतलब वो खींच के अपने स्तर पर लेके आएगा, यही है ना इसका अर्थ तो। लेकिन यदि हम एक भक्त और भगवान के बीच में जो रिश्ता बनता है, या जो अभी बात कर रहे थे पूजा का, या जो भाव उत्पन्न होता है भक्त के मन में, वो श्रेष्ठता का तो भाव है कि भगवान की श्रेष्ठता को भक्त समझता है और वहां तक उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, ऐसा है। लेकिन हमारा जो सेंटेंस कहता है कि ये व्यक्ति को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खींच के अपने स्तर पर लाने का प्रयास करता है, तो भक्त तो हमारा अमूर्त है, तो वो खींचने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि भक्त पहुंचने का प्रयास करता है, ऐसा कुछ है क्या? अभी थोड़ा उसको आप क्लैरिफाई कर दें। तो अभी अगर हम मानव मानव संबंध को देखें, कोई मानव में भी श्रेष्ठता की पूर्णता हो सकती है कि नहीं? नहीं, अगर किसी ऐसे मानव के हम संपर्क में हो
जिसमें श्रेष्ठता की पूर्णता है, समझ की पूर्णता है, तो आपको अपने जैसा बनाने का प्रयास करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा ना। तो मानव मानव संबंध में तो स्पष्ट रूप से दिखता है, मानव मानव संबंध। अब अगर उस मानव के साथ हम निर्वाह कर रहे हैं तो बिल्कुल निर्वाह होगा इसका, साथ साथ जी रहे हैं, है ना, एक ही जगह पे रह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। अगर दूर हैं कहीं तो उसके लिए कामना बनी रहेगी, उसके लिए आकांक्षा बनी रहेगी कि ऐसा हो जाए। और कई बार हमको परंपरा में ऐसे जिए हुए लोग दिखते हैं, समझे हुए लोग दिखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम एक श्रेणी में रख लेते हैं, जिसको कई बार हम भगवान की संज्ञा देते हैं या कुछ और संज्ञा दे सकते हैं, है ना, महापुरुष कह सकते हैं, है ना, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आचरण को हम स्मरण करते हैं तो उनके जैसा होने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम संपर्क में हैं तो ये प्रयास भी होगा उनकी तरफ से कि हम उनके जैसे हो जाएं। संपर्क में नहीं है तो हम प्रेरणा पाकर अपने आप से प्रयास करते हैं, उनके जैसा होने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रमेश जी ने अनम्यूट किया है। सर मैं जानना सोच रहा था कि श्रेष्ठता योग्यता दोनों के एक दूसरे के विपरीत हैं, तो समाज के लिए हमें योग्य व्यक्ति की जरूरत है कि श्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत है? क्योंकि जब हम चुनाव करते हैं तो योग्य व्यक्ति का करते हैं, श्रेष्ठता बहुत दूर हो जाती है, तो क्या ये मेरा समाज के साथ व्यवहार सही नहीं है या हमारा जो परीक्षा करने का तरीका है वो गलत है? अभी जिस रूप में योग्यता शब्द को यहाँ वर्कशॉप में लेके चल रहे ना, तो श्रेष्ठता के अर्थ में है, बट कई बार जब हम प्रचलन में भाषा का प्रयोग करते हैं तो योग्यता को हम स्किल में रखते हैं, श्रेष्ठता को हम अंडरस्टैंडिंग में रखते हैं। तो वास्तव में तो जो चयन होना है वो श्रेष्ठ व्यक्ति का होना है। तो अगर व्यक्ति श्रेष्ठ है तो किसी पर्टिकुलर स्किल में जो योग्य व्यक्ति होंगे, अगर योग्यता को उस रूप में चले, उनको पर्याप्त अवसर देगा अपनी योग्यता का सदुपयोग करने का। परंतु यदि व्यक्ति में श्रेष्ठता नहीं है, सिंपली स्किल्ड है वो व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, वो जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा ठीक से, जो दूसरे कर सकते हैं उनको भी करने का अवसर नहीं देगा। तो आवश्यकता तो श्रेष्ठता की है, और ये योग्यता को श्रेष्ठता करते परिभाषित किया तो दोनों की है, परंतु योग्यता को अगर हम स्किल माने तो श्रेष्ठता को हटा कर स्किल ओरिएंटेड अगर कोई व्यक्ति है तो वो तो परिवार, समाज, संस्था, है ना, हर एक जगह पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सुख मिलने वाला है हमको अपने आप में भी, संबंधों में भी, तो श्रेष्ठता के आधार पर मिलने वाला है। इसलिए दो शब्द बोलते हैं, श्रेष्ठता और विशेषता। तो श्रेष्ठता के लिए काम कर रहे हैं, विशेषता के लिए काम कर रहे हैं। हम दूसरों से ज्यादा हो जाए ये विशेषता है, हमारा बाल ऐसा हो जो किस क्लास में किसी का ना हो, हमारा कपड़ा ऐसा हो जो मोहल्ले में किसी का ना हो, हमारा मोबाइल ऐसा हो जो किसी के पास ना हो, ये सब विशेषताएं हैं। हमारी भाषा ऐसी हो जाए, है ना, हमारा लुक ऐसा हो जाए, हमारा मकान ऐसा हो जाए जो अन्य किसी के पास ना हो, ये सब विशेषता है। श्रेष्ठता का मतलब सही समझ, सही भाव हर एक में हो जाए। इनफैक्ट हम लोग की सारी शिकायत क्या है कि धरती पे लोग समझदार जिम्मेदार नहीं है। अगर धरती पे लोग समझदार जिम्मेदार हो जाए कौन नहीं चाहेगा? अगर आज धरती पे सारे लोग समझदार जिम्मेदार हो जाए ना, धरती पे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना होगा, पूरा विश्व एक परिवार की तरह जिएगा, एक व्यवस्था बनी रहेगी। तो श्रेष्ठता तो हम सबको सहज रूप से स्वीकार है, विशेषता स्वीकार नहीं है। विशेषता अपने आप को ही परेशान करता है, जैसे कोई क्लास में फर्स्ट आ जाए, ठीक, अब ये विशेष पद है जो उसको मिल गया फर्स्ट आने का। मैं नहीं कह रहा फर्स्ट आना कोई गलत बात है ना, कोई फर्स्ट आए आ भी सकता है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। अब अगर कोई आगे उसे कह दे कि भाई एक बार तो कोई भी आ सकता है, अगली बार आके दिखाओ, अभी जो एक बार फर्स्ट आने का सुख है वो भी चला गया क्योंकि अगली बार की चिंता शुरू हो गई। तो उस विशेषता में तो कोई सुख नहीं है या निरंतरता भी नहीं है, श्रेष्ठता में है। तो इनफैक्ट श्रेष्ठता के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो जब हमारे साथ के लोग श्रेष्ठ होते हैं तो उससे और तृप्ति मिलती है। जैसे है ना, अपने को दिखाई दे कि हाँ मुझे ही बात समझ में आ रही है और हमारे मित्रों को भी समझ में आ रही है, हमारे स्पाउस को भी समझ में आ रही है, बच्चों को भी समझ में आ रही है, माँ पिता को समझ में आ रही है, तो बड़ी खुशी उत्सव की बात है, तो है ना, हम सबके लिए सुख की बात है। उसमें तुलना होगी, कंपैरिजन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। जी, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि सामाजिक स्तर पर होने वाले परीक्षा में हमें ये सोचना होगा कि श्रेष्ठता का चुनाव करना है कि योग्यता का करना है, पर अधिकांशतः योग्यता का चुनाव होता है, ये दुर्भाग्य देखता। सॉरी, वही, थैंक यू वही। जी, तो योग्यता को अभी आप जिस रूप में रख रहे हैं वो स्किल डोमेन में है। मैं तो योग्यता शब्द का जिस रूप में प्रयोग करता रहा अभी तक वो तो समझ के डोमेन में ही है। उस रूप में देखते श्रेष्ठता योग्यता लगा, बट ठीक बात है, हमें स्किल से शिफ्ट होकर राइट अंडरस्टैंडिंग पे आना है, समझ पे आना है, सही भाव पे आना है।
यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि अभी व्यवहारिक रूप से हम किस तरह से श्रेष्ठता का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है उस वो सिस्टम में तो अभी हम योग्यता का ही चुनाव कर रहे हैं। इनफैक्ट इसको ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसको थोड़ा सा फिनोमिनन को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे बीच का श्रेष्ठ होता है ना, वो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है सहज रूप से, उसको चुनाव भी नहीं करना पड़ता। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति हो जो समझ की बात करता हो, कोई भी समस्या होती है हम उसके पास जाते हैं लेकर, भाई इसमें सुझाव चाहिए आपका, इसमें आपका परामर्श चाहिए, उसका कोई अलग से चुनाव नहीं किया जाता। वैसे ही है ना, संस्थान में कोई व्यक्ति हो जो श्रेष्ठ हो, जिसके अंदर सही भाव हो, सही समझ हो, पता है कि वो किसी का अहित नहीं सोचेगा, हर एक के सुख की बात करेगा, तो लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं उसके पास, समाधान भी लेते हैं और उसको स्वीकारते भी। तो ये सारी जो जब हम श्रेष्ठता को केंद्र में ले आते हैं तो सारी प्रक्रिया सहज हो जाती है, उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज अपने आप चला जाता है। लोग सहज रूप से चाहेंगे कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गांव का मुखिया बने, और क्या चाहिए, हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, वो व्यक्ति भी सुखी है, हम सबके सुख के लिए काम कर रहा है, और क्या चाहिए। कोई संस्था में लोग चाहेंगे कि हाँ भाई ये निदेशक बन जाए या ये इस पद पे आ जाए, क्योंकि ये जब आएगा तो सभी सुखी रहेंगे, सभी आराम में रहेंगे, है ना, ये जिले का नेतृत्व करे, राज्य का नेतृत्व करे, देश का करे, विश्व का करे, तो उसमें तो एक सहज स्वीकृति हो जाती है, सहज रूप से है ना, हमें ये बात लगने लगती है कि हाँ इस व्यक्ति को ये दायित्व दिया जाए, उसी अलग से चुनाव भी नहीं करना पड़ता। और ये तब होता है जब समझने के साथ जीने को हम जोड़कर देख पाते हैं, है ना, जब जीने में ऐसा होता है कोई व्यक्ति हमारे बीच हमारे आसपास, तो हम उसको नेचुरली उसका प्लेसमेंट देते हैं। क्या हुआ ना, भी चूंकि सुविधा को सुख मान लिया गया, इसलिए कोई भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो हमको लगता है उसका सुविधा बढ़नी चाहिए, जबकि सुविधा की आवश्यकता निश्चित है, सीमित है। तो अगर सुविधा को आप केंद्र से हटा दें तो कोई व्यक्ति सहज से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को किसी पद पर बैठाना चाहेगा, हाँ भाई ऐसा व्यक्ति बैठेगा तो सबके लिए सुखकारी होगा। जी ये ठीक है अनीता जी। जी थोड़ी सी स्पष्टता हुई है, पर अभी शिक्षा का जो हमारा शिक्षा में जो हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है उसमें किस तरह से आएगी उसमें स्पष्टता अभी मुझे नहीं हो पाई है, पर प्लीज आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं उसको ब्रीफली रिस्पॉन्ड करता हूँ कि अब जो इवेल्युएशन सिस्टम है ना, वो अभी ये जो बहुत ही समय समय पे कभी कभी होने वाला इवेल्युएशन से ट्रांसफॉर्म होकर कंटिन्यूस इवेल्युएशन में जाएगा। अभी भी देखिए तो शिक्षा में उस चीज को धीरे धीरे समावेशित किया जा रहा है कि कंटिन्यूस असेसमेंट हो, उसमें भी पढ़ने लिखने को या किसी स्किल अक्वायर करने के बजाय समझ भाव के साथ स्किल को देखा जाएगा, तो व्यक्ति टीम वर्क कितना अच्छा कर पा रहा है, क्लास में कितना अच्छा ध्यान दे पा रहा है, क्लास में बच्चों को साथ साथ कितना जोड़ के चल पा रहा है, इस तरह के गुणों पे भी लोगों का ध्यान जाएगा। अभी जैसे इस बात की हो रही है चर्चा कि भाई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कोर्सेज हो, टीम वर्क हो, है ना, सोशल कंसर्न हो बच्चे के अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस हो, तो उन चीजों पर भी ध्यान दिलाया जाएगा। मजे की बात है कि अगर हमारे अंदर श्रेष्ठता की ध्यान चला जाए तो आप पाएंगे कि सुविधा का उत्पादन करना उपभोग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट यदि व्यक्ति के अंदर सही समझ हो और कुछ अनुकूलता हो वातावरण की, तो आवश्यकता अनुसार उत्पादन करना एक बहुत ही सरल काम है। अभी तो चूंकि हमने बहुत सारी चीजों के साथ सम्मान को जोड़ लिया है, भेद के कारण पद के साथ जोड़ लिया, धन के साथ जोड़ लिया है सम्मान को, इसलिए बहुत सारा प्रतिस्पर्धा बना हुआ है समाज में, इसलिए कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अदरवाइज धरती पे हर मानव की सुविधा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध है। जी सुरभि जी, आपने हैंडल किया। जी हाँ, एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था दिमाग में, मन में, कि अभी हम लोग दो शब्द यूज कर रहे थे, एक था क्षमता और एक योग्यता, और अभी हम लोगों ने दो शब्द और यूज किए, एक है श्रेष्ठता और विशेषता। तो क्षमता जो है वो हमारी योग्यता से ऊपर है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा था। तो बोलिए इस वाक्य क्षमता जो है वो सबकी ज्यादा है, मतलब सबकी समान है, हमने ये समझा था जी, और जी। योग्यता उस पर डिपेंड करती है कि अभी हमारी क्या, हम किस उस पे हैं, किस लेवल पे हैं, वो हमारी योग्यता है। तो कुछ इस तरह का भाव अभी समझ में आया था। तो हम जब श्रेष्ठता और विशेषता से उसको जोड़कर देख रहे हैं तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि श्रेष्ठता जो है वो हमारी क्षमता से जुड़ा हुआ है,
और विशेषता और योग्यता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या ये ठीक होगा कहना? नहीं, मैं तो थोड़ा फिर से प्लेस कर दूं कि योग्यता तो मैं श्रेष्ठता के अर्थ में ही रख रहा हूँ, बात जब मैं शुरू से रख रहा हूँ ना योग्यता, तो कितनी योग्यता है, अगर वो डायग्राम को देखे जो हम लोग एक बार चार्ट शो किया था, तो योग्यता तो उसी कह रहे हैं कि हमें कितनी श्रेष्ठता हुई योग्यता है, कितनी श्रेष्ठता हमारे अंदर बन पाई हुई योग्यता है। श्रेष्ठता को अगर देखें तो पूर्णता को श्रेष्ठता कह रहे हैं। एक चीज थोड़ी सी और इसमें दिमाग में आ रही थी, जैसे हमने बात की कि हम किसी श्रेष्ठता में, मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि किसी दूसरे को अपने उस स्तर पे लाने में सहायता करें, तो अगर हम उस तरफ से देखेंगे, मतलब एक तो हो गया अगर हम यह कहें कि पर्सन ए है वो श्रेष्ठ पर्सन है और एक पर्सन बी है वो उस लेवल पे आने के, तो बी के लिए तो वो क्षमता जैसा काम हो गया ना कि मतलब हम हमारी क्षमता और बढ़ा सकते हैं, हमारी ज्यादा क्षमता है, हमारी अभी करंट ये योग्यता है और हम इस योग्यता से और ऊपर पहुंच सकते हैं, कुछ इस तरह का। जी, क्षमता नहीं बढ़ा रहे, योग्यता को ही बढ़ा रहे हैं, क्षमता को पहचान रहे हैं। हाँ, मतलब क्षमता को पहचान रहे हैं और योग्य बढ़ा योग्यता को ही रहे हैं, लेकिन वो मतलब हम इस और लेवल तक के जा सकते हैं, ऐसा कुछ कहना ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। वही, तो हमें से हर व्यक्ति समझ में पूर्ण हो सकता है, आचरण में पूर्ण हो सकता है, ये क्षमता हर एक में है। जी, क्योंकि तो, ध्यान नहीं दिए हैं इसलिए अभी नहीं हो पा रहे, ध्यान देंगे हो जाएंगे। जी ठीक है, तो मतलब हम वो श्रेष्ठता और क्षमता को भी साथ में जोड़ सकते हैं, अगर हम उस तरफ से देखें कि एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं, या ये भी एक हमारा वो हो सकता है। क्लेरिफाई कर दूं, तीन चार शब्द आगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जी, क्षमता मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड, वो हर एक में है ना। श्रेष्ठता यानी एक्सीलेंस मतलब कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, जब मैं पूरी बात को समझ पाता हूँ वो श्रेष्ठता एक्सीलेंस है। कॉम्पिटेंस मतलब योग्यता, द लेवल टू विच आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, जिस लेवल तक हमने समझा है, जिस सीमा तक हमने समझा है, वो हमारी योग्यता हुई। क्षमता पूर्ण है सब में, योग्यता अलग अलग है, यही योग्यता बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाए तो श्रेष्ठता है। जी ठीक है, जी बिल्कुल। लखनलाल जी, जी आज सुबह से मुझे लग रहा है कि आप लोगों से जितने ज्यादा हम लोग सवाल करेंगे, जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे, चीजें उतनी ज्यादा क्लियर हो रही हैं। आज आपने इच्छा विचार आशा बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया, फिर क्षमता को भी आपने स्पष्ट किया, योग्यता को भी स्पष्ट कर दिया है, और अभी अभी जैसे श्रेष्ठता विशेषता इसको भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि लगातार इस तरह के सवाल जो है हमारी क्लियरिटी को बहुत बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, मैं भी सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है और आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं। जी जी, बालवीर जी संक्षेप में आपका प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल सर, संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि विश्व स्तर पर बात करूंगा कि सर सारे देश हैं जो, तो देश पर ये अपनी विशेषता के लिए कार्य कर रहे हैं, श्रेष्ठता के लिए कार्य नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या हो कि वो श्रेष्ठता के लिए काम करें और वसुदेव कुटुंबकम की भावना आए? सर देखिए, वे से पहले हम की बात करें कि मैं करूँ, है ना, तो देखिए क्या होता है ना कि अभी हमको जब अपनी जिम्मेदारी दिखती है और मुझे लगता है कि मुझे श्रेष्ठ होना है, मुझ में समझ की पूर्णता होनी है, तो फिर मुझे उसकी पूरी प्रक्रिया समझ में आती है और फिर हमारे अंदर दूसरे पर उदारता का भाव भी बनता है कि अगर दूसरा नहीं कर पा रहा तो मुझे भी अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में कितना सारा तन मन धन लगाना पड़ता है, कितना सारा समय लगाना पड़ता है, प्रयास लगाना होता है। तो जब हम अपने लिए काम कर रहे थे, अपने श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी समझ को पूरा करने के लिए, तो अगला जितना कर पा रहा है उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं और अगले के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो पाते हैं। नहीं तो अभी आप देखिए तो मीडिया पूरी भरी हुई है इस बात से कि कहाँ कहाँ क्या गलत हो रहा है, कौन कौन गलत कर रहा है, किसमें क्या कमियां हैं, है ना, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, अधिक से अधिक उसमें आरोप प्रत्यारोप होता है। हम जिम्मेदारी स्वीकारें कि भाई मुझे श्रेष्ठ होना है और मुझे अपने सारे संबंधियों के साथ सुखपूर्वक निर्वाह करना है, सभी में सही समझ सही भाव इंश्योर करना है। इनफैक्ट आज समाज में लोग बात करेंगे कि अगर एक व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए और 10 लोगों को श्रेष्ठ बनाए तो ऐसे एक चेन रिएक्शन से पूरी धरती श्रेष्ठ हो सकती है कि नहीं। ये भी दिखता है कि एक समय में
कम से कम इस पूरी बात के प्रति आश्वस्ति तो हो ही जाती है। तो अगर 10 साल का समय माना जाए कि 10 साल लगाकर, 10 साल भी बहुत है वैसे, 10 साल लगाकर एक व्यक्ति की पूरी आश्वस्ति हो जाए कि हाँ यही मेरा कार्यक्रम है ना, इसी के लिए मुझे लगना है अपने आप को, लगाना है अपने आप को, और ऐसे 10 साल में 10 लोग और तैयार करें तो 100 साल में 10^10 लोग तैयार हो जाएंगे। धरती की आबादी भी उससे कम ही है। तो अगर हम अपने आप से शुरू करें तो एक सहज रूप से कार्यक्रम बढ़ेगा आगे और पूरी धरती तक पहुंचेगा। जी थैंक यू बालवीर जी। भारत जी ने हाथ उठाया, भारत भूषण जी ने। जी सर, मेरा एक मतलब क्वेश्चन ये था, जैसे हम बोल रहे हैं श्रेष्ठता मतलब जितना मतलब जो ना हम समझ को अपनी पूर्णता की ओर ले जाए, अगर पूर्णता हो जाती तो हम श्रेष्ठता में पहुंच जाते हैं। तो सर मुझे मतलब प्रैक्टिकली ये चीज नहीं मैं मतलब एग्री कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि फिर तो ये जो ना समझ की पूर्णता थ्योरेटिकल थॉट हो सकता है, क्योंकि जो ना कोई भी व्यक्ति मतलब समझ में पूर्णता कैसे ला सकता है, ये क्वेश्चन आया था। तो सर इसी के साथ एक बात और समझ में मतलब मुझे लगा कि श्रेष्ठता का मतलब जो ना अलग अलग विषयों में श्रेष्ठता का मतलब है कि मतलब इस विषय में आपको मतलब संपूर्णता यदि आ जाती है तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, फिर आप पर्टिकुलर दूसरे विषय पर। आपको मैं यही रोकता हूँ, देखिए सामने ही लिखा हुआ है कि श्रेष्ठता मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग। तो जो विषयों में होती स्किल है, इंफॉर्मेशन है, उसको श्रेष्ठता नहीं कह रहे। नहीं सर, लेकिन इसमें अपन बात कर रहे हैं कंप्लीटनेस की, तो मेरा क्वेश्चन वो कंप्लीटनेस वाला है कि जो ना पूर्णता कैसे पता चलेगी, मतलब भाई कि पूर्ण हो गए। मैं उसको बता देता हूँ, तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था की समझ हो जाए, ये पूर्णता है। तो सर वो या फिर जो ना इसके बाद प्रॉब्लम मेरी ये आ रही है कि फिर ये मतलब ये प्रैक्टिकली कैसे संभव है, मतलब ठीक है समझ गया पूर्णता चाहिए, सही समझ की पूर्णता, सर प्रैक्टिकली कैसे संभव है, मतलब ये अब क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि प्रैक्टिकली ये मैं कैसे करूं। ठीक है मेरे को सही समझ की पूर्णता चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कि हाँ भाई मैं अब सही समझ में पूर्ण हो गया हूँ, श्रेष्ठ हो गया हूँ, ये मैं डिसाइड कैसे कर सकता हूँ। अब दो अलग चीजें हो गई कि कैसे डिसाइड करेंगे पूर्ण हुए कि नहीं हुए, वो तो एक बात है। प्रैक्टिकली कैसे इंश्योर करेंगे उसका विधि तो बहुत सिंपल है, क्योंकि जो ना जब तक जो ना मैं पूर्ण नहीं हूंगा, वैसे जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर में लाने में सहायता करता है, जब मैं पूर्ण हो जाऊंगा तभी तो मैं किसी दूसरे को अपने स्तर में लाने की सहायता करूंगा, तो वो भाव मेरे में कैसे आएगा कि हाँ भाई अब मैं एक्सेलेंस हो गया हूँ, मतलब प्रैक्टिकली। ये तीसरी बात होगी, मैं तीनों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो जो पूर्ण होने की यानी श्रेष्ठ होने की जो प्रक्रिया है वो तो वही है कि कोई बात हमारे सामने आई, प्रस्ताव के रूप में हमने लिया, उसको स्वयं में जांचा, जी कर देखा और समझ बढ़ती चली गई, एक पॉइंट पे जाके हमको पूरी बात समझ में आ गई, पूरी अस्तित्व की व्यवस्था समझ में आ गई। तो प्रोसेस तो यही है ना, पूर्ण हुए कि नहीं हुए ये इस बात से पता चलेगा कि हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी पा रहे कि नहीं, निरंतरता हुई कि नहीं हुई, ये उसकी पहचान होगी। और दूसरे के जो पूरक होने की बात है, तो ऐसा नहीं कि पूर्ण होकर ही पूरक होंगे। मार भी आपकी आवाज चली गई। मार भैया जी भैया आवाज नहीं आ रही है, मुझे लगता है कुछ मार भैया हाँ। अभी फिर से रिजॉइन कर लेंगे जी, वही डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट हो गए जी, मेरी बात पहुंच पा रही है। हाँ सर आप आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है जी, आ रही है। हाँ मैं ये बात कह रहा था, जो तीसरी बात थी कि हमको एक बार ये संबंध समझ में आता है, एक दूसरे के राइट इवोल्यूशन के साथ हम लोग दूसरे को पूरा हो जाते हैं, संबंध में स्वीकारते हैं स्नेह के भाव के साथ, वात्सल्य भाव के साथ एक दूसरे के समझ को बढ़ाने का सहयोग करते हैं, तो उसके लिए पूर्ण होना जरूरी नहीं है, सहयोगी होने के लिए। अच्छा सर वो तो जी ठीक है सर, मतलब श्रेष्ठता के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मतलब भाव से ही ऐसा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, श्रेष्ठता के क्रम में भी ऐसा करेंगे। अच्छा जी 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 सर, थैंक यू सर। तो उन्होंने श्रद्धा के भाव की बात की, यहाँ एक रिफ्लेक्शन लेते हैं आपसे।
कि सहज रूप से क्या स्वीकार है, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना या दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, इस पर अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। भारत जी आपकी बात पूरी हो गई है, आपका हैंड अभी रेज दिखाई दे रहा है। रमेश जी कुछ कह रहे हैं? फिर एक थोड़ा सा डाउट अपना क्रिएट हो गया दो बातों को लेकर। अभी सुरभि जी ने बात पूछी थी श्रेष्ठता और विशेषता के बीच में, और दूसरी चीज ये है श्रेष्ठता की, फिर आप अभी क्लियर कर चुके हालांकि अभी फिर भी मेरे को लग रहा है श्रेष्ठता की कसौटी क्या है, इसको मैं आगे अगले स्लाइड पे दिख जाए आपको, है ना, उसको मैं ले आता हूँ। जी जी थैंक यू। तो श्रेष्ठता का मतलब हुआ कि जीने के जो चारों स्तर हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व, इनमें से हर एक स्तर पर व्यवस्था की समझ हो जाए, ये श्रेष्ठता है। व्यक्ति को हम समझ पाए, संबंध को समझ पाए, जैसे परिवार की व्यवस्था समझ में आए, समाज में भागीदारी समझ में आए, ये जो मनुष्य के अलावा जो चीजें हैं, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये समझ में आए, पूरा अस्तित्व समझ में आया, तब हम कहेंगे कि ये समझने की पूर्ण वस्तु है। ठीक है रमेश जी? असमंजस में था इसीलिए भैया, क्योंकि पहले दीदी एक मिनट, ये रमेश भैया कुछ कह रहे थे, बात पूरी नहीं। जी रमेश जी, मैं पहले कण को लेकर चला, फिर अणु। आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। जी जी मैं पूरी बात से करता हूँ। मैं इसको लेकर चल रहा था कि पहले मैंने कण को लेकर चला, फिर अणु को लेकर चला, फिर परमाणु को लेकर चला, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को लेकर चला, फिर न्यूक्लियॉन्स को लेकर चला, और चलता ही जा रहा हूँ। अब मेरी कसौटी कब खत्म होगी श्रेष्ठता की? नहीं, हम अणु परमाणु की जब बात शुरू कर दी ना, हम तो मानव को, सॉरी आपकी आवाज, रमेश भैया कुछ प्रॉब्लम हो गई हमको लगता है कुमार भैया के एंड पे। हाँ, नेटवर्क का मैं देख रहा था कि मेरा नेटवर्क गड़बड़ हो गया। नहीं कैरी कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगर कुमार भैया सुन पा रहे हो तो एक बार फिर से रीकनेक्ट कर लें, या अगर नेटवर्क कुछ जी अनिता जी जब तक अपन बात कर लेते हैं, या कुछ कहना चाह रही थी। मैं सर मैं आपको तो ठीक से नहीं सुन पाई, क्योंकि आपकी आवाज भी मुझे मेरे पास ठीक से नहीं आ पाई, पर यहाँ मैं जो प्रश्न रखना चाह रही हूँ या मैं जो समझ रही हूँ उसको रखना चाह रही थी कि शुरू से हम देख रहे हैं कि चाहना यानी सही समझ, और श्रेष्ठता यानी समझ की सही समझ की पूर्णता। तो मैं श्रेष्ठता को चाहने के उस पर देख पा रही हूँ, और योग्यता यानी जो हम अभी हैं। जी जी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूं, चाहना बराबर सही समझ नहीं, चाहना बराबर सहज स्वीकृति। अच्छा जी, बस बहुत अच्छा संभव भैया मेरी बात, और जो एक मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, चाहना यानी सह स्वीकृति, श्रेष्ठता यानी समझ की सही समझ, हाँ सही समझ, और योग्यता यानी जो अभी हम हैं, जितना समझा, जितना समझा, और जितना समझा से अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सही समझ विकसित होती तो वो श्रेष्ठता की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल, और श्रेष्ठता में प्रतिस्पर्धा नहीं है, विशेष होने का भाव वहाँ खत्म होगा हमें, ये बात समझ पाई हूँ मैं। बहुत सुंदर जी, जी थैंक यू जी। रमेश जी की बात पूरी हो गई थी, संक्षेप में थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा कंटेंट को लेके आगे चलूंगा। आपकी आवाज आवाज चल गई थी बीच में। हाँ हाँ आवाज चली गई थी। वो आ रहा था कि जब हम कण से बढ़े तो परमाणु तक, अणु तक गए, परमाणु तक गए, न्यूक्लियस तक गए, न्यूक्लियस से भी आगे निकल गए, तो उस भाव में श्रेष्ठता का भाव कब ला पाएंगे कि हम आज पूर्ण हो पाए और अब मैं अंतिम स्तर तक पहुंच गया हूं इसकी। जी मैं उसको रिस्पॉन्ड किया था, मैं उसको और कंप्लीट कर देता हूं कि ये जो अणु परमाणु के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, ये तो जड़ के बारे में कोई सूचना जुटाते हैं, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है।
जब मानव को समझते हैं, अपने आप से शुरू करते हैं और संपूर्ण अस्तित्व को समझ पाते हैं मानव से शुरू करते हुए, तो उसमें पूर्णता दिखाई देती है कि पूरे अस्तित्व से अधिक तो कुछ है नहीं। कल जब बात करेंगे अस्तित्व की व्यवस्था की तो और क्लियर होगा। तो शुरुआत मानव से करनी है। ये जो जड़ के ऊपर रिसर्च करते हैं ना, ये तो सूचना जुटाते हैं, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। जी। कुमार भैया अभी ब्रेक करेंगे कि बात रखेंगे कुछ समय? तो समय हो गया, ठीक है, तो अभी ब्रेक करते हैं, 12 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। 12 बजे हम लोग वापस चर्चा शुरू करते हैं। जी ठीक है, इस ब्रेक के दौरान हम लोग बने हुए हैं, बाकी लोगों को कुछ और भी कुछ खाना पीना हो, वॉशरूम वगैरह जाना हो तब तक कर लें, और जो लोग बने हुए हैं वो बने रहना चाहें तो कुछ शेयरिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। हम लोग हैं, जितेंद्र भैया भी हैं हम लोगों के साथ, सीमा मिश्रा जी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। यस सर, मैं अभी जो श्रेष्ठता और योग्यता पर बात चल रही थी, तो मैं मतलब मेरे समझ में जो आया, जो मैंने स्वीकार किया है उसके हिसाब से मैंने ये देखा कि यदि हमारी इस पूरी वर्कशॉप में जो चल रही है 4 दिन से, और इस वर्कशॉप में यदि हम सभी को, जितने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, हम सभी को अपना लीडर चुनने को कहा जाए, तो हम अपना लीडर किस व्यक्ति को चुनेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, जो सहज स्वीकृति के आधार पर निकल कर आएगी कि हम इसमें एक श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनेंगे, मतलब जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, मतलब जो सहज स्वीकार है व्यक्ति के रूप में, हम सब एक पूरे समूह को, तो हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनेंगे जिसमें वो स्वाभाविक है, वो योग्यता भी है और जो हमें दिख रही है। तो जो सहज सभी को स्वीकार है, सबकी सही समझ को रखता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। क्या सही समझा मैंने इस उदाहरण से? जी, वो एक बात है। दूसरी बात है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा वो सभी को श्रेष्ठ बनने का अवसर देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू सर जी। जितेंद्र भैया, मोहित भैया, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। हाँ भैया ठीक। जितेंद्र भैया आप हैं ना अभी? हाँ, नमस्ते। तो इस बीच में जितेंद्र भैया हैं लोगों के साथ, आप लोगों के कोई प्रश्न हो जो अभी तक चर्चा हुई है? काफी अच्छे प्रश्न आए हैं, मैं शुरू से सुन रहा हूँ, आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो जो लोग भी बने हो इस समय शेयर करना चाहते हो या कुछ क्वेश्चन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। मोहित भैया एक बार ब्रेक का भी अनाउंस कर दें कि ये टाइम ब्रेक का है, सेशन कुछ भी कंटेंट आगे नहीं बढ़ेगा 12 बजे तक। जी, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि ब्रेक टाइम ही है ये, 12 बजे हम लोग फिर से कंटेंट को आगे कंटिन्यू ले चलेंगे। इस बीच में कोई नई चर्चा नहीं होगी, जो अभी तक चर्चा हुई है उससे संबंधित आप लोगों की शेयरिंग क्वेश्चंस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के टाइम को यूटिलाइज करने के पर्पस से। तो जो लोग शेयर करना चाहते हैं, सुष्मिता जी हैं, सुष्मिता वात्सल्य में सर दया करुणा भी आती है, वात्सल्य में दया करुणा भी आती है। मुकेश जी, जी सर, वात्सल्य सर अपने इसमें आया था जो कि अपने मैं से संबंधित बताया गया, तो उसमें दया करुणा का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जी, इसको अभी आगे भी करेंगे बात, अभी जब प्रेम की बात करेंगे तो प्रेम के भाव के साथ जो है हम लोग दया कृपा करुणा पूर्वक अभिव्यक्त होते हैं, तो उसकी और चर्चा करेंगे। वात्सल्य के भाव के साथ जो है हम दूसरे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, जितना भी दूसरे की समझदारी को, दूसरे के अंदर सही समझ और सही भाव को विकसित करने के लिए प्रयास है, वो सारा वात्सल्य पूर्वक है। इसको अभी और जब प्रेम के भाव की चर्चा करेंगे ना अभी इसके जस्ट बाद, तो उसको उसको और डिटेल करेंगे। धन्यवाद सर। जी भाई सर, मुकेश सुष्मिता जी हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं बस ये पूछना चाह रही थी या समझना चाह रही थी कि यहाँ श्रेष्ठता और प्रतियोगिता की हम बात करते हैं जी। तो मैं ये चीज मतलब मैं एवरी डे में ये फेस करती हूँ, मैं मेरा बेटा है, छोटा है, तो मैं उसको यही सिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कंपटीशन के लिए नहीं,
अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए हमें चीजों को करना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर प्रतियोगिता का भाव नहीं होता है तो मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो कंपैरिजन लेके नहीं आते हैं या जब तक उनको किसी के साथ में रख के नहीं बोला जाता है कि वो कर रहा है तो यू नो तुमको ट्राई तो करना चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। तो मतलब कैसे इस पर्टिकुलर चीज में कि हमको उनको मोटिवेट तो श्रेष्ठता के लिए करना है, लेकिन अगर हम प्रतियोगिता को नहीं बीच में लाते हैं तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक बात है। देखिए क्या है, वो अभी की एक दुविधा तो है, क्योंकि अभी तो जिस तरह से अभी एक्सीलेंस की बात हुई है डिटेल में, है ना, और काफी सारे और नए आयाम है ना श्रेष्ठता को लेके खुल रहे हैं, तो अभी जब तक इस तरह का एक कंप्लीट सेट ऑफ पैरामीटर्स ध्यान में नहीं रहता तो बहुत सारा कई बार बच्चों के लिए तुलना करके उनको आगे बढ़ाने की बात हमारे अंदर रहती है, हमारे प्रयास रहते हैं। बट एक बार ये श्रेष्ठता की बात ध्यान में आ जाए तो दूसरे के साथ तो जोड़ के बताएंगे ही, बट जो उसमें मूल भाव रहेगा वो जो उसके अंदर विद्यार्थी अंदर जो बच्चे के तो जो क्षमता है ना, उसकी क्षमताओं को उभारने के अर्थ में ही, उसके अंदर जो श्रेष्ठ होने का पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को उभारने के अर्थ में ही दूसरे के साथ बताया जाएगा, ना कि दूसरे से आगे निकलने के अर्थ में। तो जैसे ये तो किसी भी परिवार में देखें तो माता पिता अपने बच्चों को बोलेंगे कि देखो तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन है ना इस तरह से अच्छा जी पा रहा है, इस तरह से अच्छा कर पा रहा है और आप भी कर सकते हैं उनसे प्रेरणा लेके, तो इस अर्थ में तो बताएंगे, लेकिन दूसरे से आगे निकलने के अर्थ में नहीं बताएंगे। मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं जो हमसे आगे हैं उनके गुणों को हम लोग धारण करने के लिए तो प्रयास करेंगे ही और अपने बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए करवाएंगे ही, कहेंगे ही, बट वो अल्टीमेटली श्रेष्ठ होने के अर्थ में है, दुनिया से या दूसरों से आगे निकलने के अर्थ में नहीं। तो ये क्लैरिटी के साथ ही जो है दूसरे की श्रेष्ठता को हम बताते रहेंगे, जैसे देखिए वो अच्छा कर पा रहे हैं, इस अर्थ में तो बताते रहेंगे कि हमारे बच्चे में भी वो अच्छाई के प्रति स्वीकृति बने, उन गुणों के प्रति स्वीकृति बने, उन गुणों को है ना समझने की धारण करने की स्वीकृति बने, ये तो हम बताएंगे। बट जो मूल प्रेरणा रहेगी वो श्रेष्ठ होने की रहेगी, वो राइट अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने की मूल प्रेरणा रहेगी। डॉक्टर प्रवीण जोशी जी का भी हैंड रेज है। सर नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। भाई साहब आपकी आवाज कट रही है। बड़ी गहराई से बात को सुन रहा था, समझ भी रहा था जी, तो उसमें श्रेष्ठता पूर्णता ये समझ में भी आ गया और इसको हम सहज वृत्ति सहज भाव से स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक दुनिया की बात आती है और ये चाहते हैं कि श्रेष्ठता और पूर्णता पर इसका रिजल्ट कौन देगा या इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे, सहज वृत्ति से तो हमने स्वीकार कर लिया जी, लेकिन जब दुनियादारी की बात आएगी तो उसको हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे, थोड़ा सा मैं वो समझ पा रहा, समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं कहीं रुक रहा हूँ, पूरा नहीं समझ पा रहा, तो थोड़ा सा क्लियर करें सर। जी भाई साहब मैं इस पे एक दो बात कह देता हूँ है ना, और इसमें जिससे कि समझने में सहयोग हो, कि देखिए दुनियादारी कहना तो ठीक है ना जो आज के दिन चल रहा है, लेकिन इसको व्यवहारिक कहना ठीक है या नहीं ठीक है ना, इस पे हम सबको मिलके और सोचना होगा कि ये जो चल रहा है इसको व्यवहारिक कहा भी जाए या ना कहा जाए, क्योंकि व्यवहारिक वो होगा जो जीने लायक है, जो प्रेरणा पाने लायक है, या जो मार्केट में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है ना, इस बात को ना हमको भेद करके चलना पड़ेगा। जैसे देखिए आज के दिन जो है जाने अनजाने शिक्षा के थ्रू समाज में ये जो प्रतिस्पर्धा की बात है, कंपटीशन की बात है, ये हर बच्चे में घर कर गई है, जाने अनजाने बिल्कुल बच्चे में भी घर कर गई है, बड़ों में भी घर कर गई है ना, लेकिन ठीक से देखिए क्या ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक वो होगा जो मेरे लिए भी तृप्तिदायक सुखदायक है, जो दूसरे के लिए भी तृप्तिदायक सुखदायक, लेकिन जब मैं कंपटीशन कर रहा होता हूँ, जब मैं प्रतिस्पर्धा कर रहा होता हूँ, तो अगर मैं अपने अंदर देखूं क्या मैं आराम में होता हूँ या मैं परेशान होता हूँ, मेरे अंदर सहजता होती है या भगदड़ होती है, तो अगर मैं अपने अंदर ध्यान दूं तो ये पता लगता है कि मैं तो कंपटीशन करते समय या कंपटीशन का भाव जब भी मैं अपने अंदर लाता हूं तो मैं परेशान होता हूं, मैं भगदड़ में होता हूं। उस रूप में देखने जाए ना तो ये व्यवहारिक भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये चल रहा है
इसीलिए जाने अनजाने हमको भी लगने लग जाता है कि यही करना होगा, जबकि ठीक से देखें तो ये व्यवहारिक नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है कि व्यवहारिक क्या है। तो अगर हम अपने अंदर एक्सप्लोर करें, अपने अंदर जांचें, तो दो विकल्प हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा करना है या दूसरों के साथ कोऑपरेशन करना है। तो कॉम्पिटिशन करना है या कोऑपरेशन करना है, तो एक सहज उत्तर तो अपने अंदर यही बनता है कि कोऑपरेशन करना है। लेकिन करते क्या है हम, कॉम्पिटिशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कॉम्पिटिशन के हमारे अंदर जाने अनजाने संस्कार बैठते हैं। तो जो व्यवहारिक होगा वो तो वही होगा जो मेरे लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए तृप्तिदायक है ना। तो अब अगर ये बात समझ में आ रही है, तो फिर हम जो व्यवहारिक होगा वो असल में हम उसको करने का प्रयास करेंगे, उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, है ना जी। ठीक है ये बात पर, हाँ बात आपकी ठीक है सर, लेकिन जो प्रश्न था मेरा वो कुछ इस प्रकार से था कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि श्रेष्ठता और पूर्णता को किसी भी एक्स वाई जेड ने प्राप्त कर लिया सहज वृत्ति से, कर वो स्वयं कर सकता है लेकिन समाज के अंदर या उसका कोई पैमाना, कोई स्केल या उसको कौन बताएगा कि हाँ आप ठीक है वहां तक पहुंचे हैं आप। भाई देखिए दो मुद्दे हैं, एक तो ये है कि पहले नंबर पे तो देखिए हम समझ गए है ना, हम है ना राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग है ना का काम पूरा हो गया, इसकी एक तृप्ति तो अपने अंदर बनती है ना। एक लेवल का तो प्रमाण वो है कि हमको समझ में आता है और हम सुखी हो पाते और हमारे सुख की निरंतरता हो पाती। दूसरा यह है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं रह जाता जिसका उत्तर नहीं होता हमारे पास, या एक और भाषा में कहें तो हम समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं, है ना। लेकिन बाहर अगर देखने जाएं तो हम अपनी तरफ से सभी के साथ संबंध पूर्वक और पूरकता पूर्वक है ना जीने का काम करते हैं, निर्वाह करते हैं ना? तो अपनी तरफ से तो हम इस काम को हर क्षण हर पल कर पाते हैं। सामने समाज में देखने जाएंगे तो दोनों बातें हो सकती हैं। अगर सामने वाले के पास सही को समझने का पैरामीटर नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो भी देख पाएगा। तो जो बाहर प्रमाण की बात है ना, वो प्रमाण में एक तरह की क्या शब्द यूज किया जाए, एक तरह की कंडीशनैलिटी है या डिपेंडेंसी है। जरूरी नहीं है कि परिस्थितिजन्य हो गया। हाँ मतलब सामने वाला जरूरी नहीं है कि आपकी श्रेष्ठता को देख भी पाए, क्योंकि अगर उसके पास वो अगर उसके पास वो पैमाना नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो जरूरी नहीं कि वो देख पाएगा। इसीलिए जो जो प्रमाण असल में है ना काम करेगा वो तो आपका अपना तृप्त होना है, वो तो आपका अपना समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना है। तो अंत में तो प्रमाण वही है कि आप स्वयं में तृप्त रहते हैं, है ना, खुद भी सुखी हो पाते हैं और दूसरे के सुख का कारण बन पाते हैं। यही प्रमाण जो है ना ये लंबे समय तक चलता रहेगा जी। सर इस पर अभी एक क्वेश्चन और बन गया दिमाग में कि फिर श्रेष्ठता और पूर्णता का जब हम अपने आप को ही संतुष्ट करके तृप्त हो पाते हैं और हम ही समझ सकते हैं, तो इसके लिए फिर अगला कदम या अगला प्रयास क्या हो सकता है? वही देखिए थोड़ा सा वो समझना चाह रहा। हाँ वही तो, अब पहले नंबर पे तो समझना बनता है। अब अगर ये बात ध्यान में आ गया है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और जो सुख का जो रास्ता है वो समझने के साथ है ना निकलता है, तो समझ अगर मेरी प्राथमिकता बनती है तो अब समझ के अर्थ में अपना तन मन लगाना है ना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल ये लगाना है। इस अर्थ में अपनी प्राथमिकताएं बनाई जाएं, अपनी वरीयताएं बनाई जाएं। तो अब हम ये देख सकते हैं कि समझ, संबंध, सुविधा तीनों की आवश्यकता है। तो अब ये देखें कि समझ के लिए आज के दिन कितना समय लगा रहे हैं और कितना लगाना बनता है, समझ संबंध के लिए कितना समय लगा रहे हैं, कितना लगाना बनता है। तो प्राथमिकता डिफाइन की जाए और उस अर्थ में प्रयास शुरू किया जाए। जी ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और भी किसी का अगर प्रश्न या शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। 15 मिनट शेष है हम लोगों के पास, अभी ब्रेक्स का समय ही चल रहा है, लेकिन इस बीच में हम सब लोग उपलब्ध हैं आप लोगों को सुनने के लिए, आपकी क्वेरीज को सुनने के लिए। भैया मैं एक शेयरिंग रखना चाह रही हूँ अनीता जी। दे कल विश्वास शब्द से को जब मैंने अपने अंदर जांचा परखा जी, तो मुझे एक बहुत ही
बहुत अच्छा अनुभव हुआ एक चीज को लेकर जी, मतलब या कहें कि समाधान मिला मुझे कि मैं चूंकि जॉब में हूं तो लगभग 90 से अक्टूबर 90 से मेरे को एक हेल्प करती है एक मेरी मैड, और वो लगभग अब समझ लीजिए 90 से और 2021 में हूं मैं, इतने सालों से वो मेरे साथ है और मेरा और उसका रिश्ता बहुत अपनत्व का भी है, बहुत गहरा भी है, मेरे बच्चों को उन्होंने बहुत केयर करी है, तो बहुत सारा हमारा रिश्ता इस तरह का है और एक लंबा समय है 90 से 2021 तक का। इसके बावजूद भी जैसा मैं उसको निर्देश दी, जैसे मैंने बहुत सारे कामों में ये रहता कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना, और वो उसके उलट करती थी, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि ये समझती क्यों नहीं है और मुझे परेशान कर लेती है, और एक मेरे मन में उसके प्रति कई बार नाराजगी का भाव आता था, इससे मैं भी उसे दुखी करती थी, और कई बार जब वो दुखी होती थी तो फिर मैं खुद भी दुखी होती थी, क्योंकि बहुत लंबा साथ है हमारा और बहुत ही अपनत्व का रिश्ता भी है उसका मेरे साथ। पर कल मुझे बात समझ में आई कि एक्चुअली में मेरी समझ की कमी थी ये, कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती है, ये भाव मुझे कल से जब समझ में आया, एक विश्वास जो बना कि वो मुझे बिल्कुल नहीं परेशान करना चाहती, पर ये उसकी योग्यता की कमी है कि वो उसको कर नहीं पाती है, मेरे निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही, ये भाव मेरे में आया, तो मुझे, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे और उसके बीच में कभी भी कोई ऐसा संवाद नहीं होगा जिससे कि मैं उसको मेरे शब्दों से उसे परेशानी हो, ये एक बात मुझे अपने अंदर महसूस हो पाई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक से अगर हम ये प्रश्न अपने से पूछ लेना एक बार, इस तरह जिस तरह से अभी आपने बताया, तो सामने वाला है जो सामने वाला है ये समझना नहीं चाह रहा या ये समझ नहीं पा रहा, ये प्रश्न कई बार जब हम अपने ऊपर लगाते हैं ना, अपने से पूछते हैं, तो उसका उत्तर हमको स्पष्ट होता है, अगर हम एक्सप्लोर कर ले गए, अगर हम जांच परख कर ले गए, तो अगर ये उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये समझ नहीं पा रहा, तो उससे बड़ी राहत मिलती है, उससे कम से कम हमको ये तो स्पष्ट होता है कि चाहना ठीक है, योग्यता में कमी। तो कई बार जो एंगर आती है, कई बार जो ना इरिटेट होते हैं, ये सारा ड्रॉप होने लगता है, तो चाहना की क्लैरिटी के बाद ही हमें विश्वास बनता है। ठीक बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात जी भैया। और फिर बहुत सारे स्तरों पर मेरा मनन चिंतन चला जी, बहुत सारी जगह पर, वर्क प्लेस पे, परिवार में, मतलब बहुत जगह पर, हालांकि अल्प विराम के कारण भी बहुत सारी क्लियरिटी मन में है जी जी, पर फिर भी मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बहुत गहराई से चीजें देख पा रहे हैं जी जी, बहुत मतलब मैं अपने आप को इस समय इस वर्कशॉप में अपने को, अगर मैं वर्कशॉप में हूँ इसको मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मान रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और मैंने जो कल अपना एक अनुभव था या कल एक अपनी बात जो रखी थी कि मेरा अपने कॉलेज में जो इश्यू क्रिएट हुए थे और मैंने अपने को बहुत स्टेबल रखते हुए मैंने संवाद बनाए रखने की पूर्ण कोशिश करी और अपने स्तर पर चीजों को न बढ़े इसका भी प्रयास किया, इसी पूरी प्रक्रिया में मेरे जो प्राचार्य थे वो बहुत डर गए, शायद उनको ऐसा लगा कि जिस तरह का उन्होंने पत्र मतलब जिस तरह का पत्राचार किया था और जिस तरह का उन्होंने मीटिंग में मेरे साथ व्यवहार किया था, उससे उनके मन में सबसे बड़ा फियर है कि ये शायद जन्मा कि मैं राज्य महिला आयोग में ना चली जाऊं उनके विरुद्ध इस बात को लेकर कि मेरे साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था ना। व्यवहार सिर्फ उसके स्तर पर ही नहीं होता, व्यवहार भी एक महिला की मर्यादा के अनुरूप नहीं कर रहा है,
इस तरह का उनके मन में भाव होगा। इस बात को लेकर उन्होंने एक तरह से गन पॉइंट पर अन्य स्टाफ से बहुत कुछ लिखवाया। तो ये सारी चीजें जब मेरी जानकारी में आई, क्योंकि उसके बाद मैं मेडिकल पर चली गई थी, तो मेरी जानकारी में ये सारी बातें आई तो मेरे मन में अपने शेष स्टाफ के प्रति थोड़ा सा एक भाव अच्छा नहीं लगा मुझे कि भाई कोई तो साहस करता गलत को गलत कहने का। हालांकि उसमें से ज्यादा बड़ा स्टाफ नहीं है यहाँ पर, मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ, पहले जरूर मैं लीड कॉलेज में थी। तो हालांकि उसमें से 8 लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, नो कमेंट लिखा उस पर जब मैं कॉलेज पहुंची बाद में मेडिकल के बाद, तो मैंने पाया कि मेरा जो दूसरा स्टाफ है वो गिल्ट में है, मतलब मेरा सामना नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हमने गलत का साथ दिया। और फिर भी मेरे मन में एक उनके प्रति थोड़ा सा एक मैं सहजता से बात करती रही, मैंने उनसे कुछ भी किसी से नहीं कहा, पर मेरे मन में एक क्वेश्चन रहा उनके प्रति कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। पर कल की चर्चा के बाद से मैं अपने मन से वो क्वेश्चन हटा पा रही हूँ, ये भी शेयरिंग करना चाह रही हूँ। जी जी बढ़िया। इनफैक्ट देखिए क्या है ना, यही होता है मात्र इंटेंशन की क्लैरिटी से ही ना बड़े से बड़े पहाड़ जैसी समस्याएं भी जो है सॉल्व होने लगती हैं। और एक बार डाउट जो है किसी के भी मानस में अगर घर कर जाए तो वो डाउट कितना फैलेगा, कितना डैमेज करेगा, कितनी दूर तक जाएगा, इसका हमको अंदाज भी नहीं होता। और अगर हम ठीक से देखें तो किसी भी बड़े से बड़े झगड़े विवाद या युद्ध के स्तर की चीजें भी हो रही है ना, तो उसके मूल में तो इंटेंशन पे डाउट है ना। तो वो डाउट एक बार अंदर हो गया तो फिर वो कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, ये कोई नहीं जान। तो वही क्षण होता है जब हमको, अगर हम अपने परिवार में भी देखें ना, तो एक बार जिसके साथ हम 20-25 साल से रह रहे थे उसके प्रति भी अगर डाउट हो गया, संदेह हो गया कि ये मुझे दुखी करना चाहता, तो वो बहुत फैल जाता है। और जब एक बार रिजॉल्व हो जाता है वो सामने वाला आदमी अपना लगता है, मेड फॉर ईच अदर होता है। तो अगर ये डाउट रिजॉल्व हो जाए ना तो ऑन ग्राउंड जनरली एक्चुअल इतनी समस्या नहीं है, बट क्योंकि ये डाउट हो जाता है हम उस डाउट को रिजॉल्व नहीं कर पाते, और इस संदेह के कारण जो हम व्यवहार करते हैं सामने वाला उस कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को भी लैक ऑफ इंटेंशन समझ लेता है। तो हमारे अंदर डाउट हुआ उससे हमारा व्यवहार खराब हुआ, हमारे खराब व्यवहार को वो लैक ऑफ इंटेंशन मान लेता है, उसके आधार पर वो व्यवहार खराब करता है और खराब व्यवहार की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो अगर दोनों में से भी एक व्यक्ति समझदार हो तो अगर ये इवैल्यूएट कर ले कि ये जो व्यवहार ठीक नहीं हुआ ये लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है, नॉट दी लैक ऑफ इंटेंशन, तो अगर ये व्यक्ति रिजॉल्व हो जाए तो दूसरे के साथ भी है ना चीज़ों को ठीक करने में, व्यवहार को ठीक करने में ये बहुत कुछ कर सकता है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगा, मेरे मन में जो एक भाव था उनके प्रति, हालांकि वही फिर मैं रखना चाहूंगी कि चूंकि अल्प विराम से जुड़े थे तो मैंने वहां पर अपने संबंधों को बिल्कुल भी नहीं खराब करा, मैं सहज बनी रही ताकि वो उस गिल्ट से बाहर आकर मुझसे बातें करते रहे, तो मैं सहजता से आगे बढ़कर उनसे बात करती रही। और फिर मेरी जानकारी में ये भी था कि भाई उनकी सीआर खराब करने की उनको एक तरह की इनडायरेक्ट थ्रेट थी उनके पास, तो ठीक है। और अभी जब कल के उसके बाद एकदम बहुत मेरे मन में क्लियरेंस आया और मैंने मतलब मेरे मन से वो क्वेश्चन भी हटा। बढ़िया, अनिता जी ने जो बात की मैं उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। अनिता जो उन्होंने आकलन स्वयं में किया मेड के लिए, वो मैं अपने बच्चे को लेकर चलता हूँ। जब मेरे बड़ी बेटी का नाम 2.5 साल में लिखाया, वो भी 2 साल 8 महीने में, 2.5 साल। आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ पा रही है सर, प्लीज आप अपना कनेक्शन देखें या फिर मैं वाईफाई ये निकाल देता हूं, एसएसडी में बोलता हूं, बस स्लो है जी। अब आवाज अच्छे से आ रही जी? ठीक है जी। तो जब मैंने बड़े बेटे का नाम लिखाया स्कूल में, 2 साल 8 महीने का था, वो ऑटो उस पे ऑटो पे बैठते भी नहीं बनता था, आगे खड़े होकर जाता था हैंडल के पास। अब उसकी सीखने की प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस स्कूल में शुरू हुई तो वो चलना शुरू हो गई, कोई दिक्कत नहीं। घर में भी ये पढ़ाती थी तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहती थी,
और जब मैं उसके 6 मंथली के बाद तो पीटीएम में मुझे कॉपियां दिखाई गई, उन कॉपियों में मैं पकड़ के रह गया माथा कि उसने सब कुछ लिखा है पर सब कुछ उल्टा लिखा है, अंग्रेजी के सारे वर्ड्स उसके उल्टे थे। और मैंने मैडम से कहा कि मैडम आपने आज तक मेरे को नहीं बताया ये क्या है। बोले सर आपका बच्चा पूरी तरह से योग्य है, उसमें समझने की क्षमता है, आप ये देखिएगा कि हर बच्चे को हम सीधा अक्षर नहीं सिखा पा रहे, उल्टा लिखता है। घर में माँ के डर के मारे सीधा लिखता था पर तो स्कूल में वो उल्टा करके उत्तर देता था। तो हमें कुछ अब हंसी भी आई और मैंने उनकी सहनशीलता और उनकी समझने की क्षमता को आज भी प्रणाम करता हूँ कि ऐसे टीचर, इनने कहा नहीं बच्चा बहुत योग्य है आप ऐसा मत समझिए और आप उसको एब्यूसिंग शब्द का उपयोग मत करना कि गधा है तू नालायक है ये मत बोलना, वो बहुत लायक है और उसमें निश्चित तौर पे इस क्रम से सीखने की क्षमता है, इसका मतलब वो सीधे क्रम से भी बहुत अच्छे से सीखेगा। और मैं चुपचाप रह गया और उन्होंने उनका मूल्यांकन भी उसका किया और अच्छा किया, वो बना भी टॉप बॉय था क्लास में समय भी, परंतु मैंने देखा कि उसी ढंग से उसने बिहेव किया उस शिक्षिका ने बच्चे के साथ जैसा आप मेड के बारे में लगातार सोचती रही होगी, परंतु शिक्षिका अंतिम निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच गई और मुझसे बोली 6 महीने मैं आपको नहीं बताना चाहती थी, मैं इसको पूरी तरह से एग्जामिन कर रही थी। तो कई बार लर्निंग प्रोसेस योग्यता इस ढंग से भी आती है। जी थैंक यू। बढ़िया, और किसी की अगर कोई शेयरिंग हो तो या कोई प्रश्न हो तो, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं या जिन्होंने अभी तक अपनी बात नहीं रखी, एक बार भी बात नहीं रखी, तो अगर वो भी कुछ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज साधना जी ने कोई बात नहीं रखी है, सीमा जी ने भी रखी है। विजय कुमार मेवाड़ा जी, नितिन जी ने शायद रखी है। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर हम इन शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी के शब्द भी बताते जाएं तो आसानी होगी, और ऐसे सहज स्वीकृति को हम अंग्रेजी में क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे योग्यता के लिए तो उन्होंने बताया था कि कॉम्पिटेंस है, तो इस तरह से हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप शब्द को अंग्रेजी का इस्तेमाल भी बताएं क्योंकि वो आसान होगा मेरे लिए। थैंक यू। अगर स्लाइड्स में देखें ना तो अभी इस वाले में तो कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता, हमने अंग्रेजी के शब्द कम कर दिए, परंतु अगर आप डे वन से देखें तो उन सब के अंग्रेजी शब्द रखे गए, जैसे नेचुरल एक्सेप्टेंस रखा गया था सहज स्वीकृति के लिए, योग्यता के लिए कॉम्पिटेंस रखा गया था। तो कहीं पे अगर छूट गया तो हम उसको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो मुख्य जो बातें हैं उसके लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों को रखा गया। इस वाली स्लाइड में तो है पर कई जगह नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे भेद को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन, जो अगर आप देखें कल डिफरेंशिएशन जी। ओके दीप्ति जी का हैंड रेज है, तो संक्षेप में रख लीजिए, 1 मिनट बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे कंटेंट को। दीप्ति जी जी धन्यवाद। कुमार भैया, जैसा मैं आज के सत्र को समझ पाई हूँ तो क्या वो यही है कि लक्ष्य क्षमता जो है वो अगर हम समान मानते हैं हर किसी में, इवन मतलब मुझ में भी है और सामने वाले में भी है, और योग्यता अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी की तो किसी की अधिक हो सकती है और किसी की कम हो सकती है, और यदि अधिक है कॉम्पिटेंसी तो अगर मुझ में अधिक है तो मैं चाहूंगी कि सामने वाले का सहयोग करके उसको भी मैं मेरे लेवल पे लाऊं, और यदि मुझ में कम है तो मैं चाहूंगी कि सामने वाले की कॉम्पिटेंसी से मैं कुछ ना कुछ ग्रास्प कर सकूं, सीख सकूं। तो शायद मेरी जो एक सहज स्वीकृति है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं तो वो स्ट्रांग होगी, और शायद हम फिर जो राइटनेस टू अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सही समझ है, उसको विकसित कर पाएंगे। और क्या ये सही है क्या कि जब हमारी सही समझ विकसित हो जाएगी, इवन वो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक हो जाएगी,
तो वही एक्सीलेंस को प्रमाणित करेगी क्या? जी बिल्कुल सही है, जी जी, जी. पूरी तरह से सही बात कही आपने जी जी. थैंक यू भैया. थैंक यू इंद्र भैया, आप कुछ रखना चाह रहे थे? नहीं नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं भैया? हाँ, आपको पूछ रहे हैं. मैं यहाँ से कुछ शुरू करूँ? जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल. नमस्ते. लोग जहाँ बात कर रहे थे और अच्छा है, बीच में काफी चर्चाएं हुई ब्रेक के समय. हम लोग वहां से बात आगे लेके चलते हैं. हम लोग श्रद्धा के भाव को समझने का प्रयास कर रहे थे. तो श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास करना, ये दो अलग चीजें हैं. तो जब श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो हमको दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा है और परस्पर पूरकता का भाव आता है. जब प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो ये मानते हैं कि मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, बेहतर हूँ, दूसरा मेरे जैसा नहीं है. तो अगर श्रेष्ठता के अर्थ में देखें ना, तो दिखता है कि हमारा भाव होता है सहस्वीकृति के आधार पर होता है, जिसमें निश्चितता होती है, निरंतरता होती है, संबंध को बिना शर्तों के स्वीकारते हैं, और दूसरों के पोषण करने का, दूसरों के विकास करने का भाव होता है. परंतु यदि हम विशेषता के अर्थ में देखें, प्रतिस्पर्धा के अर्थ में देखें, तो ये मान्यताओं पर आधारित होता है. किसी चीज को हमने विशेष मान लिया, किसी को अगले ने विशेष मान लिया, इसमें अनिश्चितता होती है और हमारा भाव बदलता रहता है. इसलिए जो संबंध होते हैं वो कंडीशनल होते हैं. दूसरा हमारी इच्छा अनुसार चल रहा है तो हम उसको स्वीकारते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल रहा नहीं स्वीकारते. तो जब कंडीशनल होगा तो कभी पोषण करने की सोचेंगे जब हमारे अनुसार चल रहा है, जब हमारे अनुसार नहीं चल रहा है तो इग्नोर करेंगे या शोषण करने की सोचेंगे. अभी ऐसा होता रहता है. श्रेष्ठता के लिए जब भी प्रयास करते हैं तो दूसरे को अपने जैसा बनाने में ही सहयोग करते हैं, क्योंकि और अच्छा है ना, जितने जितने लोग श्रेष्ठ होंगे उतना सबका सुख बढ़ेगा. पर जब विशेषता के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास कर रहे होते हैं तो दूसरों को अपने जैसा होने से रोकते हैं, भेद को बनाए रखने का प्रयास होता है, डोमिनेट करने का, हावी होने का, या उसमें जो भी है ना अन्यथा भाव जुड़ जाते हैं, चालाकी करना, शोषण करना, ये सब उसमें जुड़ जाता है. इसलिए आप पाएंगे कि श्रेष्ठता की जो प्रयास होता है वो एब्सोल्यूट है, उसका एक निश्चित तृप्ति बिंदु होता है, निरपेक्ष, उसका रेफरेंस कहीं बाहर नहीं है. मुझे स्वयं में दिखता है कि सही समझ की पूर्णता का अर्थ क्या होगा, कि मेरा हर भाव विचार संबंध के अर्थ में हो, व्यवस्था के अर्थ में हो, नहीं सही समझ सही भाव पे आधारित हो. जबकि इधर अगर देखें प्रतिस्पर्धा के केस में तो सारा मामला रिलेटिव है दूसरे की तुलना में, इसलिए उसमें कोई तृप्ति बिंदु दिखता नहीं है. हमारा प्रयास आज का कुछ होता है, कल कुछ और होता है, नेक्स्ट डे कुछ और होता है, बदलता रहता है. तो अभी जिस तरह से हमने पूरे समाज को अभी जिस तरह कर दिया, मोर और लेस अगर देखें शिक्षा को या और तंत्रों को देखें, तो उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव काफी आ गया. लोगों को अपने आप में तृप्ति बिंदु नहीं दिखाई दे पा रहा, इसे सुख को बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत सारा इस तरह का प्रयास हो जाता है, प्रतिस्पर्धा का, शोषण का, और ये सारी चीजें है ना, छल कपट का, चलाकी का, शोषण करने का. ये ठीक है बात, इसमें कोई शेयरिंग हुआ आपकी? तो श्रेष्ठ होना चाहते हैं ना, ना कि प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, आप सबने रिफ्लेक्ट किया ही था. इसके आगे देखिए तो दो भाव और दिखाई देते हैं, गौरव और कृतज्ञता. गौरव का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके जो हम प्रयासों को सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो उसके प्रति एक स्वीकृति बनती है कि उन्होंने कितना अपने आप को लगाया, अपना तन मन धन लगाया श्रेष्ठ होने के लिए, हारमोनी को समझने के लिए, हारमोनी में जीने के लिए, राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट फीलिंग के लिए. ऐसे लोग हमको समाज में अभी भी दिखाई देते हैं, परंपरा में दिखाई देते हैं. तो जो ग्लोरी है, गौरव है, ये भाव उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयास किया. जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयास किया उनके जब हम प्रयासों का स्मरण करते हैं तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आता है. तो हमको परिवार में ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करते हैं, शिक्षा तंत्र में मिलेंगे ऐसे शिक्षक होंगे, गुरु होंगे, बचपन में शिक्षा दिए, आज शिक्षा दे रहे हैं, आने वाले समय में शिक्षा देते होंगे, जो लोग हमें श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं उनके प्रति जो हमारे अंदर भाव आता है सहज रूप से, वो कृतज्ञता का भाव है. इसमें मजे की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए सुविधा मात्र उपलब्ध कराता है तो उसके प्रति जो भाव आएगा वो टेम्पररी आएगा, सुविधा टेम्पररी चीज है.
जो हमारे साथ सही भाव रखता है उसके प्रति हमारा भाव तो बनेगा, बट उसमें पूर्णता की संभावना नहीं होगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति हमें श्रेष्ठ बनाता है, सही समझ सही भाव संपन्न करता है, तो हमारे अंदर जो कृतज्ञता का भाव आता है उसमें निरंतरता होती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के लिए सही समझ सही भाव के लिए काम करें, अगर हम किसी व्यक्ति के सही समझ सही भाव को सुनिश्चित के लिए कार्यक्रम बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारे प्रति कृतज्ञता का भाव आता है निरंतर बना रहता है। उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसमें भी एक सामयिकता होती है। परंतु यदि हम सिर्फ सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो बहुत सीमित समय के लिए होता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने दूसरे के लिए इतना कुछ किया और दूसरे हमारे प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने जो किया वो सुविधा के अर्थ में किया। इसलिए सुविधा से जो भाव तैयार होगा अगले व्यक्ति के अंदर वो सीमित होगी। सुविधा अपने आप में सीमित है, सामयिक है। निरंतरता तभी होगी जब सही समझ सही भाव को एश्योर कर पाए। तो शिक्षा में आज के दिन टीचर्स को बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, ग्रजेज हैं कि बच्चे हमारे प्रति ग्रेटफुल नहीं होते, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता, क्योंकि हम सही समझ को इंश्योर करने काम नहीं कर रहे, सही भाव को इंश्योर करने काम नहीं कर रहे। हमारा बहुत सारा समय व प्रयास दूसरे के अंदर कोई स्किल डेवलप करने का, सुविधा उपलब्ध कराने का, जॉब दिलवा देने का, प्लेस करा देने का, इतना ही भर हो जाता है। ये दो भाव हैं जो अपने सहज से स्वीकार होते हैं। कृतज्ञता को और थोड़ा स्टडी करेंगे, देखिए कि मैं दूसरे के व्यवहार में ममता, स्नेह, विश्वास, इस तरह के भावों को देख पाता हूँ अपने प्रति, तो मैं ये भी देख पाता हूँ कि दूसरा मेरी समझ यानी मेरी सही समझ और सही भाव में सहयोगी है और मेरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में मेरा सहयोगी है। तो अगर ये दोनों ही चीज दिखाई देती हैं तो मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव अगले व्यक्ति के प्रति बना रहता है। और संबंध के निर्वाह में, संबंध के विकास में कृतज्ञता एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये देखने की चीज है कि अभी हम कितने लोगों के प्रति कृतज्ञ हो पाते हैं जिन्होंने हमारे लाइफ में सही समझ सही भाव इंश्योर करने में कंट्रीब्यूट किया, आवश्यक सुविधा इंश्योर कराने में कंट्रीब्यूट किया, ऐसे कितने लोगों के प्रति हम कृतज्ञ हो पाते हैं। और किसी रूप में आप देखेंगे तो जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उनका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो है हमारे सुख में, हमारे समृद्धि में। अगर हम इस बात को अप्रिशिएट कर पाते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव आता है। जिन जिन का सहयोग रहा हमारे विकास में, हमारे परिमार्जन में, या हमारे लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में, तो अपने आप में थोड़ा सा इसको रिफ्लेक्ट करके देखें कि ये बात जांचने की है कि क्या आप में उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। जी कोई प्रश्न है? पिछले स्लाइड पे जाए, कृतज्ञता से जस्ट पहले, इससे जस्ट ग्लोरी ये नहीं, नहीं नहीं इसके बाद वाली और इसके जस्ट ये रखा था हमने, ये स्लाइड था। जी जी बस एक जी आगे जा सकते हैं जी। तो अपने आप में जांचने की बात है ये कि आप में उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव है जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए प्रयास किया। तो ये तीन मुद्दे रखे गए अपने आप में रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्या आप दोनों की प्रशंसा करते हैं, जो आपके लिए किया गया है और जो आपके लिए नहीं किया गया है, या जो आपके लिए नहीं किया गया है उसी पर ज्यादा ध्यान बना रहता है। जैसे होता है पेरेंट्स ने बच्चों के लिए फीस भरी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, सब कुछ किया, बट हो सकता है उनके लिए महंगा मोबाइल ना लाके दे पाए। तो कई बार बच्चों को लगता है पिताजी ने हमारे लिए किया क्या है, परिवार ने हमारे लिए किया क्या है, एक मोबाइल तक तो दे नहीं सकते, या सभी लैपटॉप पे पढ़ाई कर रहे हैं लैपटॉप तो दे नहीं सकते, बट उन्होंने जो किया है उसको कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं। वैसे क्या आप में दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव निरंतर बना रहता है या कभी होता है कभी नहीं होता? और क्या आपका प्रयास स्वयं में सही समझ सही भाव को सुनिश्चित करने और परस्परता व्यक्त करने के अर्थ में है या दूसरों से सिर्फ भाव पाने के अर्थ में है? पहले प्रश्न पे थोड़ा आपका रिफ्लेक्शन लेते हैं।
क्या आप दोनों को स्वीकार पाते हैं, क्या किया गया और क्या नहीं किया गया? ज्यादातर ध्यान जो नहीं किया गया उस पर केंद्रित रहता है। इस बीच किसी का कोई प्रश्न हो? यहाँ सहज स्वीकृति की बात नहीं हो रही है, हमारे जीने की बात हो रही है, हमारी योग्यता की बात हो रही है। ये देख इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि जिन लोगों ने हमारे सुख समृद्धि में कंट्रीब्यूट किया उनके प्रयासों को हम कितना अप्रिशिएट कर पाते हैं, चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, मित्र हो, भाई बहन हो, स्पाउज हो, साथी सहयोगी हो, उन्होंने जो किया उसको भी स्मरण कर पाते हैं, या जो नहीं किया गया सिर्फ उसका ध्यान बना रहता है। अनिता जी कुछ कहना चाह रही है? ये भी देखिए कृतज्ञता का भाव निरंतर बना रहता है या कभी होता है कभी नहीं होता। एक और बात का जरूरी है समझना कि कृतज्ञता के भाव को हम अपने ऊपर इन्फोर्स या इम्पोज नहीं कर सकते, हमारे अंदर सहज रूप से होता है। तो जब हमारे लिए सही समझ सही भाव के लिए कोई प्रयास करता है तो सहज रूप से हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव बनता है। अगर सिर्फ सुविधा के लिए प्रयास करता है तो सीमित समय के लिए बना रहता है, संबंध का सही निर्वाह करता है तो उससे ज्यादा समय तक रहता है परंतु निरंतरता नहीं रहती। निरंतरता तो हमारे अंदर सही समझ सही भाव के इंश्योर होने के साथ ही हो पाता है। आपका रिफ्लेक्शन अभी मिला तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं दोनों को स्वीकार पाते हैं, बट कई साथियों ने ये भी कहा है कि जो नहीं किया गया उस पर ज्यादातर समय ध्यान रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपना एक आकलन किया है इसमें। तो अगर इन सारी बातों को देखें जोड़कर विश्वास सम्मान श्रद्धा गौरव कृतज्ञता तो मानव की जो मूल चाहना निरंतर सुख है, और निरंतर सुख कैसे इंश्योर होगा? श्रेष्ठता को सुनिश्चित करने से, सही समझ सही भाव की पूर्णता को सुनिश्चित करने से। और श्रेष्ठता क्या है? चार स्तरों पर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में। इस श्रेष्ठता को सुनिश्चित करने से हमारे अंदर सुख की निरंतरता हो जाती है। उस श्रेष्ठता को समझे तो इतना ही है ना, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। अब अगर इन भावों को देखें तो विश्वास हर एक के प्रति होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का नेचुरल एक्सेप्टेंस वैसा ही है, हर व्यक्ति की सहज स्वीकृति वैसी ही है। सम्मान भी हर एक के प्रति होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचुरल एक्सेप्टेंस वैसा ही है, पोटेंशियल वैसा ही है, प्रोग्राम वैसा ही है, कॉम्पिटेंस वेरिएशन है। उस कॉम्पिटेंस का मैं राइट इवेल्यूशन करता हूँ, उसकी योग्यता का मैं सही सही आकलन करता हूँ, ये भी हर एक के प्रति होता है। श्रद्धा का भाव उनके प्रति ही होता है जिनमें हमको श्रेष्ठता की पूर्णता दिखाई देती है, समझ की पूर्णता दिखाई देती है। गौरव का भाव उनके प्रति होता है जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, वहां पूरा पढ़ पाए, पूर्ण हुए नहीं हुए, परंतु उन्होंने जो प्रयास किया उसकी स्वीकृति बनती है। जैसे अभी परंपरा में इतने सारे लोगों ने प्रयास किया तभी हम घर बैठे इतनी सारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो उन सारे लोगों के प्रति अपने अंदर एक भाव तो बनता है। अगर पूर्णतया श्रेष्ठ रहे तो श्रद्धा का भाव बनता है, प्रयास किया गौरव का भाव बनता है। वैसे हमारे संबंधों में जिन लोगों ने हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनता है। और सारे भाव हमको नेचुरल एक्सेप्टेबल है, इनमें से कोई भाव हमको अपने ऊपर इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने आप में सहज रूप से स्वीकृत होते हैं। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में सूचना मिले ना, उसके प्रयासों के बारे में सूचना मिले, तो हम उसको सहज रूप से स्वीकार पाते हैं कि हाँ ना, काश हम भी ऐसा कर पाते, हमें भी ऐसा योग्यता हो पाती। जैसे अभी जब भी बात होती है तो एक प्रश्न सहज रूप से आता है, क्या निरंतर सुखी हुआ जा सकता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति में ऐसा दिखाई दे कि निरंतर सुखी है, हमसे प्रेरणा लेते ही हैं, और जो हम अपने आप से प्रयास कर रहे होते हैं, तो एक सरलता का भाव आता है कि हम कुछ खास काम नहीं कर रहे, कुछ विशेष काम नहीं कर रहे, परंपरा में कई लोगों ने काम किया है, हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सरलता का भाव आता है। तो अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर हम जांच के देख सकते हैं कि थोड़ा सा पीपीटी मोड में आने के बाद थोड़े इधर उधर हो गए रखी रहे। अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर हम जांच के देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी बात हमारे लागू होती है। हम किसी के साथ भी संबंध में नहीं रहना चाहते, एक के साथ ठीक ही कर लेते,
जी स्लाइड कुछ ऊपर नीचे उसमें कुछ हो गया था भैया, उसको ठीक कर रहे हैं जी। किसी के साथ नहीं संबंध का भाव, सभी के साथ विरोध में ऐसी स्थिति बन जाती है, यह हमको सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। एक के साथ संबंध का भाव हो या अनेक के साथ हो, यह स्नेह के रूप में दिखाई देता है। सभी के साथ हो इसको प्रेम कहा। तो एक से शुरुआत होती है, फिर कई के साथ संबंध को देख पाते हैं, है ना, फिर हरेक के साथ संबंध को देख पाते हैं। कि हरेक के साथ संबंध को सहज रूप से देख पाना कि अगला व्यक्ति का मानव मात्र होना पर्याप्त है, वो मेरा संबंधी है ही, चाहे हमारे देश का रहने वाला हो किसी और देश का रहने वाला हो, हमारे साथ जन्मा हुआ हो, हमारे संप्रदाय का हो अगले संप्रदाय का हो, हमारे जाति का हो अगली जाति का हो, है ना, देश किस भाग का हो उस भाग का हो, विश्व किस भाग का हो उस भाग का हो, मानव मात्र होना पर्याप्त है। तो ऐसा मुझे दिखता है कि मानव के साथ हम हर मानव के साथ संबंध को देख पाते हैं, तो हमको हरेक के साथ संबंध की स्वीकृति बनती है। इस भाव को कहा प्रेम का भाव। ये पूर्ण मूल्य हुआ। पूर्ण कैसे? क्योंकि मैं हरेक के साथ संबंध को देख पाया। परंतु यदि प्रेम को न समझें तो उसमें बहुत सारी मान्यताएं जुड़ जाती हैं, बहुत सारी मान्यताएं बन जाती हैं। जैसे आज के दिन देखिए तो बच्चे प्रेम या प्यार शब्द को कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, और यदि सामान्य भ्रांतियों को देखें तो ऐसा दिखाई देगा। ये कल्पनाशीलता को अगर देखें तो उसमें कुछ भाग सहज स्वीकृति से आ रहा है, कुछ भाग मान्यताओं से आ रहा है, कुछ भाग संवेदना से आ रहा है। अब प्रेम के बारे में अगर आप फिल्मों को देखें या फिर जो प्रचलन में बहुत सारी कथा कहानियां चलती रहती हैं उनको देखें, तो कई बार उसको संवेदना से जोड़ लेते हैं, और जैसे ही संवेदना की बात आई वो कहीं ना कहीं आवेश है, और प्रेम न होकर प्रेम के बारे में भ्रांति बन जाती है। तो संवेदना से जो कर देखते हैं उसको वासना के रूप में देखते हैं, यानी दूसरे से कुछ पाने का भाव, कोई संवेदना पाने का भाव। अब इसमें निरंतरता की कोई संभावना नहीं है। दूसरे से अगर कोई संवेदना पाने का भाव है तो उसके आधार पर जो संबंध तैयार होंगे उसमें न तो निश्चितता होगी न निरंतरता होगी। वैसे मान्यताओं के आधार पर देखें तो आसक्त हो जाते हैं। अब बच्चे कॉलेज में आते हैं, फिर आने के साथ देखिए कि एक फैशन सा चला रहता है कि भाई आए हैं तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए, तो किसी को देखा और ऐसा लगता है कि पहली नज़र में आकर्षित हो गए, पहली नज़र में प्यार हो गया। ऐसे बहुत सारे फिल्मी गाने बनते रहते हैं, उसको बच्चे गाते रहते हैं। कई बार बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि अब हम टीनेज क्रॉस कर गए हैं या टीनेज पूरा होने वाला है, तो हमारे पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए, या भाई अगले के पास चार हैं तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अभी बहुत सारी मान्यताएं हैं, अगर आप देखें तो बच्चों के मानस को बहुत सारे प्रभावित करता है, बच्चे कल्पनाशीलता को भी बहुत प्रभावित करता है, और बच्चे हायर एजुकेशन में आने के बाद बहुत सारा समय और प्रयास इसमें लगाते हैं, बहुत सारी सुविधा इसमें लगा देते हैं। मजे की बात है कि अगर इसके आधार पर कोई संबंध बन भी जाता है, उस संबंध में ना तो निश्चितता होगी ना निरंतरता होगी, भाव निश्चित नहीं रहते, संबंध की स्वीकृति निश्चित नहीं रहती, पूरा कंडीशनल रहता है। क्योंकि आधार क्या बना? सुविधा बना, शरीर बना, उस शरीर के आधार पर जो भी संबंध को आदमी स्वीकारने जाएगा, क्योंकि शरीर अपने आप में एक सामयिक वस्तु है, शरीर में परिवर्तनशीलता बनी रहती है, उस भाव में परिवर्तनशीलता बनी रहती है। अगर सुविधाओं के आधार पर बना लिया तो उसमें परिवर्तनशीलता बनी रहती है। तो आसक्ति या वासना को देखें तो कहीं यहाँ है, मान्यता में संवेदना में है, प्रेम का भाव यहाँ है जो सहज स्वीकृत है। तो सही समझ देखें जो सहज स्वीकृति के द्वारा बनती है, तो प्रेम के भाव में हम सभी के साथ संबंधित देख पाते हैं अपने आप को, सबके प्रति जिम्मेदारी का भाव दिखता है, सभी को स्वीकारने का भाव दिखता है। तो प्रेम और ये जो वासना है आसक्ति, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये सुविधा केंद्रित है, शरीर केंद्रित है, ये भाव समझ केंद्रित है। तो प्रेम के भाव में मैं हर मानव के साथ अपने संबंध को देख पाता हूँ, ये विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य ये सारे भाव हमारे अंदर सुनिश्चित हो पाते हैं। इनके आधार पर सभी से संबंधित होने का जो भाव है स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर बहता रहता है, अनवरत बहता रहता है।
अभी ये थोड़ा देखें कि अभी जिस रूप में प्रेम को समाज में लोग देखते हैं या जिस रूप में बातचीत होती है, जिस रूप में उसको मीडिया लेकर आती है, वो क्या है और अभी जो चल रहा है, अभी मतलब वास्तव में प्रेम क्या है, इन दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल कंट्रास्ट दिखाई देगा। पंजाब में एक परिवार रहा, वो वर्कशॉप किए थे, पति पति दोनों ने किया था, उनकी दो बेटियां हैं। तो जो बड़ी बेटी थी वो क्लास 9 में पढ़ती थी, छोटी बेटी क्लास 6 में पढ़ती थी। एक बार जब बड़ी बेटी घर आई तो बहुत डरी हुई थी, सब ऊंचाई हुई थी, अपने माँ पिता से भी कोई बातें नहीं कर रही थी। तो छोटी बेटी ने उसके व्यवहार के डिफरेंस को नोट किया, तो जाकर उससे पूछा क्या हो गया, तुम बहुत आज डरी घबराई हो। उसने कागज निकाल के दिखाया कि क्लास के एक लड़के ने कागज पे लिख के दे दिया था आई लव यू। अब वो उसने कहा था कि कल तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए हमको इस पे। तो इस पूरे परिवार ने वर्कशॉप किया हुआ था। तो छोटी बेटी ने तपाक से कहा कि जाके पहले उससे पूछो कि तुम्हारे अंदर हमारे प्रति विश्वास का भाव है, सम्मान का भाव है, स्नेह का भाव है, अगर नहीं है तो प्रेम का भाव कहाँ से आ जाएगा। तो छोटे बच्चों को भी अगर ये बात समय रहते ध्यान में आ जाए ना, तो छोटे बच्चे भी इन चीजों को समझ पाते हैं। तो प्री कंडीशन्ड होने के बजाय उनके अंदर एक सही समझ विकसित हो पाती है। संवेदनाओं के आधार पर जीने की योजना बनाने के बजाय सही समझ, सही भाव के आधार पर योजना बना पाते हैं। अब अगर देखें, एक न्यूज आया था यूपी में, ये कि लव इज नंबर वन किलर इन 4 स्टेट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज छपा था ये। उसमें दिखाते हैं कि जो मैक्सिमम किलिंग हो रही है वो तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, इतना सारा क्राइम हो रहा है और उसको लव नाम देते हैं। अभी लव तो नहीं है, ये निश्चित रूप से प्रेम तो नहीं है। प्रेम सभी को ठीक से समझने की, प्रेम को सभी को ठीक से समझने की आवश्यकता है, विशेष रूप से युवाओं द्वारा। अभी प्रेम के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं, आपको कहते हैं लव जिहाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो प्रेम का भाव क्या है अपने आप में, ये निश्चित रूप से समझने की जरूरत है। अगर प्रेम नहीं है और वासना है या फिर ऐसी कोई अनर्गल भाव है तो उसमें तो निश्चितता नहीं होगी, वो अपराध की ओर ले भी जा सकता है। तो प्रेम को समझे तो दिखता है कि हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, यानी पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस यानी भावों की अनुभूति करना। नहीं, पूर्णता में रस हो पाते, पूर्णता में लीन हो पाते हैं। इकाइयों के साथ तो प्रतीक की प्रकृति के हर इकाई के साथ संबंध को पहचान पाते हैं। प्रकृति की हर इकाई के साथ संबंध को पहचान पाते हैं। तो ये भाव फैलता है एक से अनेक, अनेक से हर एक। ये जो प्रेम का भाव है वो आगे चल के जो हमारे जीने में एक मानव मूल्य के रूप में आता है ना, दया कृपा करुणा के रूप में आता है। जी, समीरा जी ने हैंड रेज किया। जी, मैं सिर्फ एक ही बात इसमें देख पा रही थी कि प्रेम की जब बात होती है तो प्रेम हम सब में जो अभी उपस्थित हैं बहुत साफ तौर पे पता होता है कि प्रेम किसको हम मान रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन मान्यता के रूप में देखते हैं तो प्रेम को बहुत जिस रूप को आप बताना चाह रहे हैं कि वो अलग अलग रूप में वासना में इसमें डिफाइन होता है। लेकिन मान्यता में जब कोई दो व्यक्ति, दो स्त्रियां, दो पुरुष और स्त्री मिलकर प्रेम में रहते हैं या प्रेम है तो सामाजिक रूप से उसकी मान्यता बिल्कुल अलग रूप से नजर आती है। तो ये जो अंतर है, ये प्रेम शब्द वहां पर बहुत डाइल्यूट हो जाता है। तुम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। उसको स्नेह कहना ठीक है, दो मनुष्यों के बीच जो है वो स्नेह है। हाँ, पर हमारे तो जो मान्यता के रूप में और हमारे को जो पूरी पिछली परंपराओं से जो हमको मिलता है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम बहुत सात्विक सी चीज हमको समझ में आती है, तो प्रेम की भाव तो हमको समझ में आता है। पर आज के समाज में जब मान्यता पे बात आ जाती है तो वहाँ प्रेम अगर हम 50 लोगों में भी कोई दो लोग खास तौर से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो उसको भी समाज अलग रूप से ही देख रहा है,
शब्द उसमें प्रेम इस्तेमाल करता है, ये मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ। जी जी, तो प्रेम शब्द को अभी ठीक से समझ कर नहीं प्रयोग करते हैं, कई बार इसको अनर्गल ढंग से प्रयोग करते हैं, वो प्रेम तो नहीं है। तो अगर दो मनुष्यों के बीच में विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध की स्वीकृति बनती है तो उसको स्नेह कहेंगे। और ये जो आकर्षित होना है, ये तो फिर अगर आकर्षण किस बात के लिए देखें तो संवेदना मूलक कोई कार्यक्रम हुआ, और उस आकर्षण के द्वारा जो संबंध तैयार होता है उस संबंध में न तो निश्चितता होती है न भाव की निरंतरता होती है। जो कल एक बात हुई थी ना कि पहले पागलखाने के पहले पिंजरे में देखा तो एक आदमी था जो अपने कपड़े फाड़ रहा है, पूछा क्यों फाड़ रहा है भाई अपने कपड़े, तो कहा इसकी उस लड़की से शादी नहीं हुई जिससे ये प्रेम करता था। अगले पिंजरे में देखा तो एक व्यक्ति और कपड़े फाड़ रहा है, पूछा इसको क्या हो गया, इसकी उसी लड़की से शादी हो गई। तो अभी ये जो आकर्षण के आधार पर हम संबंध को चुनाव करने जाते हैं, चाहे शरीर के आधार पर, चाहे सुविधा के आधार पर, है ना, या किसी एक विशेषता के आधार पर, किसी की आवाज अच्छी लग गई, किसी की आंख अच्छी लग गई, किसी का है ना कोई और एक बात हमको पसंद आ गया, अब उसके आधार पर जब भी हम संबंध का चुनाव करते हैं तो उसमें उभय सुख की निरंतरता तो नहीं है। सामयिक रूप से कभी अगर हो भी जाए तो निरंतरता तो नहीं है, निरंतरता तो सही समझ सही भाव के आधार पर ही होगी। तो प्रेम शब्द को एक मिसनोमर के रूप में कई बार प्रयोग किया गया, कई प्रकार से प्रयोग किया गया, परंतु प्रेम अपने आप एक निश्चित भाव है, ये हमको समझने की जरूरत है। एक बार हमको भाव समझ में आ जाए फिर हम तो कम से कम शब्दानुशासन के साथ। हमारी व्यक्ति में तो एक शब्दानुशासन बन जाता है, और ये बहुत जरूरी भी है कि इन शब्दों का हम सही सही प्रयोग करें। जी ठीक है, समीरा जी, नितिन जी कुछ कह रहे हैं। जी नमस्ते भैया, आपने जो भी, थैंक यू जी, आपने जो भी डायग्राम दिखाया है प्रेम का, तो उसमें जो संवेदना है और हमारी मान्यताएं हैं, तो क्या प्रेम जब संवेदना और मान्यताएं पूर्ण रूप से हमारी समाप्त हो जाएंगी तभी वो पूर्ण प्रेम में परिवर्तित होगा? इनफैक्ट समाप्त नहीं होंगी, अगर इन दोनों को ठीक से देखें तो मान्यता रूपांतरित हो जाएगी, यानी कि समझ के आधार पर अपने आप में निश्चित हो जाएगी। जो मान्यता समझ पर आधारित होगी वो मान्यता सेटल हो जाएगी, जो मान्यता समझ पर आधारित नहीं होगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी, हट जाएगी। तो मान्यता ना सेटल हो जाएंगी हमारी, जो मैं में मान्यताएं बन गई है समझ के भाव में वो सेटल हो जाएंगी। और संवेदना का एक निश्चित रोल है शरीर के रख रखाव में, जो हम लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, संवेदना का निश्चित रोल है। संवेदना से पता चला कि भूख लगी है, संवेदना से पता चलता है कि ठंड लगी है, तो शरीर का ध्यान रखने में संवेदना का एक निश्चित रोल है। तो समझ के साथ क्या होता है कि संवेदना का हम चीजें सदुपयोग कर पाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम संवेदना में नहीं है, प्रॉब्लम है जब हम संवेदना से सुखी होने जाते हैं। जी जी जी, तब प्रॉब्लम है। संवेदना का तो निश्चित रोल है ही, तो संवेदना का हम सदुपयोग करते हैं समझ के साथ। तो प्रेम के भाव में बने रहते हुए हम संवेदना का सदुपयोग कर पाते हैं, वैसे ही प्रेम के भाव में बने रहते हुए हमारी जो अनर्गल मान्यताएं हैं, जो हमें संबंध से अलग ले जाती हैं, जो प्रेम के भाव से अलग ले जाती हैं, वो गिर जाती हैं, हट जाती हैं, और जो भाव स्वर्थ में बने हुए थे वो ठीक से परिभाषित हो जाती हैं, लेस हो जाती हैं। जी लखनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू सर। जी मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एक बार आदमी यदि प्रेम की स्थिति में पहुंच गया तो फिर तो ये उसकी सर्वोच्च स्थिति हो गई, वहां फिर क्या हुआ सतत बना रहता है। देखिये मैं तो हमेशा बना ही रहेगा, ठीक से देखें तो दिखता है कि मैं चैतन्य क्या हूँ, उसकी हर आवश्यकता क्रिया निरंतर है, और ध्यान से देखेंगे तो उसकी निरंतरता भी पता लगती है। बट अभी इसको ओपन रखें, इसको और जांचें परखें, परंतु हाँ ठीक है मैं तो बना ही रहता है, तो प्रेम के भाव में पहुंचे ना पहुंचे मैं तो बना ही रहता है। ठीक है जी, तो ये बात हमने प्रेम के भाव में रखा कि प्रेम की भाव के साथ दया कृपा करुणा का भाव भी हमारे अंदर सुनिश्चित हो पाता है। दया क्या है? किसी व्यक्ति के आवश्यकता है और उसके पास वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो उसके अंदर है ना उसको वस्तु उपलब्ध करा पाना ये दया है। किसी व्यक्ति के पास
अब आवश्यकता को अगर जोड़ के देखें तो पात्रता के साथ, तो उस वस्तु को ग्रहण करने की पात्रता विकसित नहीं हो पाई है, भले वस्तु उपलब्ध है। तो पात्रता विकसित कर पाना कृपा है, और व्यक्ति में दोनों ही विकसित कर पाना, पात्रता भी विकसित कर पाना और उसके अंदर है ना उसको वस्तु भी उपलब्ध करा पाना, ये करुणा है। तो जब हम इन भावों के साथ जीते हैं, एक मानव के रूप में हम करुणा प्रधान ढंग से जी रहे होते हैं समाज में, तो पूरे समाज के साथ हम संबंध को पहचान पाते हैं और हर एक मानव तक सही समझ सही भाव पहुंच जाए, उसके अर्थ में जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की उपलब्धता हो जाए, सुनिश्चितता हो जाए, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। ये करुणा का भाव है। तो भाव हमारा विश्वास के भाव का दया कृपा करना को और थोड़ा सा स्पष्ट करिए। जी भैया, मैं भी यही कह रही हूँ, दया कृपा और करुणा तीनों को थोड़ा, अगर बहुत संक्षेप में कहा जाए ना, मैं इलस्ट्रेट भी कर दूंगा कि अगर किसी वस्तु व्यक्ति के पास पात्रता है और वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो वस्तु उपलब्ध करा देना दया है। किसी व्यक्ति के पास वस्तु है और पात्रता नहीं है, पात्रता को विकसित कर देना ये कृपा है। और यदि किसी व्यक्ति के पास न तो वस्तु है न पात्रता है, दोनों ही उपलब्ध कराना, पात्रता विकसित कर पाना और वस्तु उपलब्ध कराना, ये करुणा है। तो जैसे अगर इस बात को समझे, अगर शिक्षा की बात करें तो किसी व्यक्ति की जिज्ञासा बन गई है समझने की और सही प्रस्ताव नहीं पहुंच पा रहा, उस तक सही प्रस्ताव पहुंचा देना ये दया का काम हुआ। सिलेबस में आ गया है ना, वस्तु उपलब्ध है, परंतु व्यक्ति के अंदर समझने की प्रवृत्ति नहीं बन पाई है, जिज्ञासा नहीं बन पाई, जिज्ञासा को तैयार करना एक कृपा है। और यदि शिक्षा की वस्तु भी नहीं पहुंची है और व्यक्ति के अंदर वो पात्रता भी नहीं है समझने की, तो शिक्षा की वस्तु भी उपलब्ध कराना और पात्रता भी विकसित कर पाना, ये करुणा है। तो करुणा के भाव के साथ हम धरती के हर मानव को समझदार जिम्मेदार बनाने के भाव से प्रेरित हो जाते हैं और उस व्यक्ति में समझ विकसित करने के लिए, सही भाव विकसित करने के लिए जो भी अपने को लगता है कि आवश्यक वस्तुएं हैं उनको उपलब्ध कराने की योजना बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। जैसे शिक्षा, उसकी एक योजना हो सकती है कि धरती के हर मानव तक शिक्षा पहुंचे, हर मानव को शिक्षा में सही वस्तु मिले, समझने का अवसर मिले। करुणा प्रधान ढंग से जिया जा सकता है, समझ की पूर्णता के साथ करुणा प्रधान ढंग से जिया जा सकता है। और ये प्रेम का जो भाव है जिसके फलन में दया कृपा करुणा दिखाई देता है, यही अखंड समाज की नींव है, आधार है। इसी भाव के आधार पर अखंड समाज तैयार हो पाता है। जब हर मानव के अंदर ऐसा भाव होगा तो समाज तो अखंड होगा ही। अभी समाज खंड खंड में बटा हुआ है बहुत सारे कारणों से, भेद से, चाहना पे शंका से, विरोध के भाव से। अच्छी बात है कि जब मेरे अंदर प्रेम का भाव होता है, दया कृपा करुणा का भाव होता है, तो मैं तो इस अखंड समाज का एक इकाई बन जाता हूँ। मेरे में तो अखंडता आ जाती है, अब मैं अपने आप में तो अखंड हो गया, मेरे अंदर खंड खंड नहीं रहा, मेरे अंदर दूसरे को खंडित करने का भाव नहीं रहा, समाज को खंडित करने का भाव नहीं रहा, मैं तो अखंड समाज का हिस्सा बन गया। इसी शिक्षा विधि से अगले के अंदर ये भाव तैयार हो जाए तो वो भी अखंड समाज का हिस्सा बन गया। नहीं, हम बात करेंगे इस पे। अब इन सब भावों की समझ के साथ न्याय को समझा जा सकता है। न्याय का मतलब क्या हुआ? मानव संबंध की पहचान ठीक से हो जाए, उसका निर्वाह हो पाए, मूल्यांकन हो पाए, इसे उभय सुख हो जाए, इसको न्याय का। तो न्याय में चार बातें शामिल है, तो संबंध की पहचान ठीक से हो, यानी कि भाव हमको ठीक से समझ में आए, पहचान में आए, उसका निर्वाह ठीक से हो, फिर उसका मूल्यांकन ठीक से हो पाए। जैसे सब भी कभी भी हम व्यवहार में मूल्यांकन करते हैं तो चार मूल्यांकन होते हैं। जैसे मैं आपसे अगर व्यवहार करूंगा तो मेरा अपना स्वयं का एक मूल्यांकन होता है कि मैंने आपसे ठीक व्यवहार किया कि नहीं, और मेरा आपके प्रति एक मूल्यांकन होता है कि आपने मेरे साथ ठीक व्यवहार किया कि नहीं। वैसे आप अपना मूल्यांकन करते हैं कि आपने ठीक व्यवहार किया कि नहीं, और आप मेरा मूल्यांकन करते हैं कि मैंने ठीक व्यवहार किया कि नहीं। अभी जो चारों मूल्यांकन है जब ठीक से हो पाते हैं तब जाके उभय सुख होता है। एक तो संबंध में भाव की पहचान ठीक हो, अगर यहाँ गलती हो गई तो आगे कुछ फॉलो नहीं करेगा, पहचान हो गई तो निर्वाह ठीक हो, निर्वाह ठीक हो गया मूल्यांकन ठीक हो, और ये अगर ठीक होते हैं तब जाकर दोनों को सुख मिलता है, तब कहा कि न्याय हुआ।
तो न्याय को देखें तो हर संबंध में हर क्षण की आवश्यकता है। हम हर संबंध में न्याय पूर्वक जीना चाहते हैं, उभय सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो उभय सुख की बात हम सभी करते हैं, बट उसके लिए जो अपनी तैयारी होनी है वो इतना सारा तैयारी होना है। जब तक भाव की समझ ना होगी निर्वाह कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे। जब पहचानने की बात करते हैं, बिना शर्त संबंध को स्वीकार करना, दूसरे को उनकी क्षमता और वर्तमान योग्यता के साथ स्वीकार करना, ये उसका आवश्यक भाग है। निर्वाह की बात करें, स्वयं में सहज स्वीकार भाव को सुनिश्चित करना और दूसरे के साथ साझा करना, दूसरे के साथ बिना शर्त जिम्मेदारी से जीना, ये दूसरे को सहज और आश्वस्त करता है। उभय सुख के लिए प्रयास करना, अपनी योग्यता का विकास करना तथा दूसरों के विकास में सहयोग कर पाना। मूल्यांकन की बात करें तो यह जांच करना कि सही भाव दूसरे तक पहुंच गया था, दूसरे को सही भाव समझने में सहयोग कर पाना, ये सारी बातों से जुड़ती है। मूल बात इतनी है ना कि संबंध भाव की पहचान ठीक से हो जाए, निर्वाह हो, मूल्यांकन हो, उभय सुख। तो न्याय हर संबंध में हर क्षण की आवश्यकता है। ये जो हम कोर्ट कचहरी जाते हैं तब जाते हैं जब अन्याय हो चुका होता है, और फिर हम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हैं। अन्याय तो ऑलरेडी हो ही गया है, अब अधिक से अधिक उस पर न्याय का कॉम्पनसेशन हो सकता है। भाई अगले ने दूसरे के हाथ पांव तोड़ दिए तो उसको 7 साल की कैद हो गई, अभी कॉम्पनसेशन हो गया किसी रूप में, ठीक है भाई आगे क्राइम नहीं बढ़ेगा, अपराध नहीं बढ़ेगा, परंतु अन्याय तो हो चुका है। तो अगर हम परिवार में देखें तो कई बार तो अन्याय होता ही रहता है, मामला पुलिस चौकी पे कोर्ट कचहरी बहुत बाद में जाता है या कई बार नहीं जाता, परंतु अन्याय तो हो सकता है कि समझ के अभाव में हम हर क्षण कर रहे हैं। अपने जिनको हम अपना मानते हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, जिनको पराया मानते हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको अपने व्यवहार के प्रति सजगता बढ़ेगी, न्याय करने की योग्यता बढ़ेगी। इन सब बातों के साथ जोड़ कर देखें तो दिखता है कि संबंध को हम जब पहचान पाते हैं, सारे भाव को समझ पाते हैं, तो न्याय सुनिश्चित कर पाते हैं, फिर परिवार से विश्व परिवार तक अखंड समाज पूर्वक जी पाते हैं। अभी बात दूर की लगती होगी अभी सोचकर, परंतु इतना तो निश्चित है कि हर मानव की सहज स्थिति यही है। एक बार ध्यान देना शुरू करेगा मानव यहीं पहुंचेगा, उसके पहले रुकेगा नहीं। एक बार हमको दिख जाए कि सही तो यही है, हम उसके अन्यथा कुछ भी करेंगे कष्ट पाएंगे। ये प्रस्ताव हर मानव तक पहुंच जाए और इस विधि पहुंच जाए ताकि वो जांच पाए, जी कर देख पाए, तो धरती अखंड ही होनी है, समाज अखंड ही होना है। आज के लिए एक असाइनमेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का स्तर अलग अलग होता है, कई प्रकार की भिन्नताएं दिखाई देती हैं। क्या इन भिन्नताओं के साथ आप परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं? पिछली स्लाइड को इसके पहले और इसके पहले वाली अच्छा मूल्यांकन थोड़ा सा फास्ट हो, इसके बाद वाली जस्टिस को न्याय को दीवी समझना चाह रही है। हाँ बस थोड़ा सा एक कोई प्रश्न हो तो बताइए भाई। जैसे अगर दो लोग हैं है ना परिवार में, जैसे पति पत्नी है, तो उनके बीच में न्याय कब होगा? जब दोनों के अंदर संबंध की पहचान ठीक से होगी। जैसे अगर दोनों ने संवेदना को संबंध माना हुआ है तो न्याय होगा ही नहीं, इसलिए संबंध में कठिनाइयां बनी रहेंगी। किसी मान्यता को माना हुआ समझ तो फिर उसमें भी कठिनाइयां बनी रहेंगी। तो अगर हम संबंध के भावों को ठीक ठीक समझ पाए तब तो जाकर उसका निर्वाह कर पाएंगे। तो पहचान मतलब उसका समझना ठीक से हो जाए, फिर उसका निर्वाह ठीक से हो, फिर उसका मूल्यांकन ठीक से हो, जी वह सुख होगा। ये न्याय का मतलब हुआ। इसमें कुछ भी शेष रहा यानी न्याय नहीं हुआ। तो समझ के साथ ये होता है कि अगर मेरे अंदर समझ हो गई है तो मेरा तो पहचान ठीक होगा, मैं निर्वाह ठीक करूंगा, मैं मूल्यांकन ठीक करूंगा और मैं अपने व्यवहार से सुखी रहूंगा। दूसरा व्यक्ति जब भी मेरे व्यवहार का ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएगा तब उसको सुख मिलेगा, उसका आज मिले, आज से 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, तो संबंध में मेरी भागीदारी निश्चित हो जाती है। क्या हर संबंध में मेरी भागीदारी तो न्याय के अर्थ में है, मैं तो सही समझूंगा, सही शेयर करूंगा। ये कुछ मैसेज देख रहा हूं मैं, आवाज डिस्टर्ब हो रही थी, कभी अगर हुआ हो तो हमें फिर इंडिकेट कर दे अनम्यूट करके। ये कभी बीच में ऐसा होता है कि मोबाइल पे अगर कोई कॉल आ जाए कुछ तो BNT लगाने के बावजूद वो थोड़ा सा कनेक्शन में ब्रेक आ जाता है। ठीक है अनीता जी, जी विजय कुमार जी ने हैंड रेस किया है। सर जो ये 9 भाव बताए हुए किसी भी संबंध के लिए क्या कसौटी है?
है ना। सर सर सीमा मिश्रा सर, समर्पण की क्या भूमिका है न्याय में? देखिए समर्पण को समझे थोड़ा सा। समर्पण कहते हैं सम प्लस अर्पण। सम मतलब सम्यक, ठीक ठीक। अर्पण मतलब शेयर करना। क्या ठीक ठीक शेयर करेंगे? भाव शेयर करेंगे और भाव को पूरा करने के लिए सुविधा शेयर करेंगे। तो अगर इन नौ भाव को देखें तो नौ भाव में सिर्फ एक ही भाव है जिसमें सुविधा की आवश्यकता है, वो है ममता का भाव, दूसरे के शरीर के पोषण संरक्षण करने का भाव। और किसी भाव के निर्वाह में सुविधा की अनिवार्यता तो नहीं है। सुविधा के साथ करें तो और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, इतना जरूर है, परंतु अनिवार्यता नहीं है। तो सम्यक अर्पण करते हैं, सम्यक यानी ठीक ठीक शेयरिंग करते हैं। क्या शेयर करेंगे? तो मुख्य मुद्दा तो भाव शेयर करने का है। उस भाव को निर्वाह करने के क्रम में कहीं सुविधा शेयर करना हो, सुविधा भी शेयर करेंगे। समर्पण का मतलब ये नहीं कि दूसरे की मान्यता को सही मान लेना और उसके अनुसार जीने लगना, ये समर्पण नहीं है। इसमें तो ना हम सुखी हुए ना अगला सुखी हुआ। जैसे अगला व्यक्ति ना समझ है, उसकी कोई गहरी मान्यता है ना कि सुविधा संग्रह बराबर सुख, उसने माना हुआ है, हमने समर्पण कर दिया और हम भी सुविधा संग्रह में लग गए। ना वो समृद्ध हुआ ना हम समृद्ध हुए, ना वो सुखी हुआ ना हम सुखी हुए। ओके थैंक यू सर। तो बताइए आगे बढ़े। कुमार भैया, AICT के चेयरमैन सहस्रबुद्धे सर भी जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा अच्छा जी जी, नमस्ते। तो, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? नहीं नहीं कुमार संभव जी, नहीं, मैं जस्ट सुन रहा था कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। साइलेंटली आई विल लिसन फॉर सम टाइम बिकॉज आई वाज फ्री फॉर सम टाइम एंड देन गो बैक। ओके, आप चलने दीजिए जी। जी नमस्ते सर, सोमानी बोल रहा हूँ। बढ़िया है आप कम से कम बीच में आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, हम सब लोगों को अच्छा लगता है। जी वास्तव में जी जी, मुझे फिर लगता है कि कोई भी कानून जी, मुझे लगता है कोई भी कानून पर न्याय लागू नहीं करा सकता, सिर्फ कंपनसेशन दिलाता है। नहीं तो कानून से तो न्याय नहीं होगा, न्याय तो समझ और भाव से होगा। इनफैक्ट आप और ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हमारे सही समझ सही भाव नहीं है तो हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे होते, अपने आप को दुखी करते। नहीं तो हमारे अंदर सही समझ सही भाव होता है तब जाके हम दूसरे से शेयर कर पाते हैं, तब जाके दूसरे को भी सुख मिलता है। तो ये नौ भाव है, इनको ठीक ठीक समझा जा सकता है, दिया जा सकता है और इस प्रकार से हम परिवार से लेकर विश्व परिवार तक न्यायपूर्वक जी पाते हैं। मेरी भागीदारी तो हर क्षण न्याय कर्म में होती है, ये निश्चित हो जाता है। दूसरा व्यक्ति कब समझेगा नहीं समझेगा ये दूसरे व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी पे है, उसमें हम भागीदारी तो जरूर कर सकते हैं, परंतु मेरे समझने के साथ मेरी जो भागीदारी होती है वो तो उभय सुख के अर्थ में ही होती है। इससे मैं भी सुखी होता हूँ और अगला जब मूल्यांकित करता है तब सुखी होता है। हो सकता है हमने कोई बात अगले से शेयर की, अगले को उसका महत्व नहीं दिख रहा, परंतु जब महत्व दिखता है तब उसको हमारा गाइडेंस एक्सेप्ट होता है, तब उसको उसका सुख मिलता है। ऐसा आपको अपने कई बार लाइफ में भी लगा होगा कि कोई बात आपसे वैल्यूएबल कही गई और आपने उस समय उस बात को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना, कभी आगे जाकर उसका महत्व दिखाई दिया तब जाकर उसका सुख मिलता है, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव भी आता है। उसने ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात आपको बताई, अच्छी बात बताई। तो ये असाइनमेंट हम लोग देख रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का स्तर अलग होता है, कई प्रकार की भिन्नता है। क्या इस भिन्नता के साथ आप परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं? दूसरा, विद्यार्थियों में श्रेष्ठता यानी प्रतिस्पर्धा नहीं, सही समझ सही भाव के प्रयास को बढ़ाने के लिए आप संस्थान में क्या कार्यक्रम बना सकते हैं? इसमें काफी कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है कि कंपटीशन को हटाकर यदि हम एक्सीलेंस को केंद्र में ले आए तो क्या क्या कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं संस्थान में। और ये जो बात पहले उन्होंने रखी थी कि श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहयोग करता है, प्रतिस्पर्धा में दूसरे को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है। प्रेम पे भी उन्होंने बात किया कि प्रेम के सही अर्थ को समझने विद्यार्थियों की मदद करने में संस्था क्या प्रयास कर सकता है। जैसे अभी देखिए तो एडोलेसेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कॉलेजेस फेस करते हैं
और से पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, मैनेजमेंट भी परेशान होता है, टीचर्स भी परेशान होते हैं, कई बार बच्चों के एकेडमिक्स भी सफर करते हैं। तो क्या इन बातों को हम लोग इस प्रकार से रख सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर बात समझ में आए, इससे बच्चों की कल्पनाशीलता निश्चित होगी, एक सही दिशा में लगेगी, समझने की दिशा में लगेगी। इनफैक्ट जिन कॉलेजेस में ऐसा प्रयास शुरू किया गया है उसमें फिनोमिनल चेंज दिखाई दिया है, बच्चों के परफॉर्मेंस में, बच्चों के व्यवहार में। जैसे यहाँ गाजियाबाद में एक कॉलेज है, एक गर्ग कॉलेज, वहाँ अपने साथी हैं गोपाल बाबू, उन्होंने शाम को 2 घंटे का एक सत्र रखना शुरू किया बच्चों के, जो हॉस्टल बच्चे रहते हैं उनके साथ, और उसे पूरे हॉस्टल के वातावरण में परिवर्तन दिखाई दिया। जो पहले बच्चों के लड़ाई झगड़े होते थे, मेस के खाने को लेकर बच्चे शिकायतें किया करते थे, या जो शोर शराबा हुआ करता था हॉस्टल्स में, वो सब काफी कम हुआ। तो ऐसे प्रयास हम सिस्टमिक रूप से कर सकते हैं, है ना, विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, समाज में वयस्कों के लिए कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर प्रेम का सही भाव स्पष्ट हो। ये आज असाइनमेंट है आप सबके लिए। कुछ अगर आप अपना विचार रखना चाहें तो समय की थोड़ी सीमा